टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। Welcome to the मजेदार शो विद आदि फैजान सीजन 2। उम्मीद करता हूं आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा और ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया होगा अपने वीकेंड में चार चांद लगाने के लिए। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराता हूं हमारे सिंगर और हाउस बैंड काशिफ भाई एंड द कराची बॉयज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काशिफ भाई, कैसे हैं आप? जी फैजान भाई बिल्कुल ठीक। वेरी गुड। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फनियर हाफ की। बहुत सारी तालियां आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि आदिल अमजद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम आदि भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाइए। वाह वाह वाह, क्या चल रहा है मार्केट में? मार्केट में प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग? हाँ। कौन सी प्लानिंग भाई? आजकल मैं देख रहा हूँ कि बड़ी प्लानिंग हो रही है हमारे यहाँ। प्लानिंग? और हाँ, मैंने सुना था कि कोई कश्ती आई थी जी, और कहा था कि उसको रेस्टोरेंट बनाएंगे जी। तो बाद में कश्ती बुला ली। हाँ, अब जो खड़ी करने की जगह नहीं मिल रही। सर वो कश्ती नहीं, एक बहुत बड़ा जहाज है। अच्छा जी हाँ, जो कि एक ग्रैंड क्रूज है बेसिकली। अच्छा, जिसमें कोई सुना है कि 1100 के करीब कमरे हैं खाली। वेरी वेरी गुड जी। वो इटली से, कमी है इटली से आई गई थी यहाँ पर फिर, और उसको कहा कि इसको शिप रैक करने से पहले इसको हम कंसिडर करें कि इसको एक होटल बना लें, 7-स्टार होटल बन सकता है, बहुत सारी चीजें बन सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको यहाँ पर खड़े रखने की जगह नहीं है। वेरी गुड जी। और ये वो पोर्ट है जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट्स माना जाता है दुनिया में, जिसे गवादर कहते हैं या आप उसे किमाड़ी भी कह सकते हैं, एक और जो हमारा पार्ट है। इन सारी जगहों पे वो जहाज नहीं खड़ा हो सकता। तो फिलहाल मुझे समझ नहीं आता है, हमारे यहाँ प्लान होने के बाद हमें याद क्यों आता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे कि वो बिल्डिंग बन गई और उसके बाद याद आया कि जी ये तो लीगली नहीं थी। फिर मैंने अभी थोड़े दिन पहले दिखाया कि माशाल्लाह जो हमारा इलाका है डिफेंस, जिधर हम लाखों करोड़ों रुपए टैक्स भी भरते हैं और सब कुछ भरते हैं, उधर सड़क जो है मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक ट्रक आया सड़क बनाने के लिए, ठीक है, उसने एक खड्डा यूं करके बनाया। हाँ। और उसी के बिल्कुल साथ, मतलब उससे पहले एक और खड्डा था, ठीक है, तो वो उसने नहीं भरा, वो भूल गया या क्या हुआ। अच्छा। तो वो गाड़ी थोड़ी सी आगे चली गई तो उस बंदे ने कहा अबे भाई रुक, के मतलब अभी एक और भरना है। उसने कहा भाई चलना छोड़, अब आगे निकल गया, अब क्या रिवर्स आओ। तो वो खड्डा छोड़ के चला गया। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि हमसे खड्डे नहीं भरते, हमसे रोडें नहीं बनती, हमसे आज तक ये नहीं समझ आया कि लीगल क्या है, इलीगल क्या है। हम चीजें बोलते हैं, हम यूं यूं करेंगे, सड़कें भरे जा रही हैं, उसका कोई प्लान नहीं बन रहा। लोग कहते हैं 10 बजे के बाद रॉन्ग वे नहीं होता। अच्छा। हाँ, ये भी एक नया आया है कि 10 बजे के बाद रॉन्ग वे नहीं होता। क्या बात है। तो बस ये प्लानिंग चल रही है जो कि किसी काम की नहीं है। आप खबरें देखें तो आपको ऐसा लगता है कि शायद कल जब हम उठेंगे तो हम शायद न्यूयॉर्क में होंगे, लेकिन जब हम उठते हैं तो अफसोस के साथ हम वहीं के वहीं होते हैं, उससे भी पीछे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। असल में आप अगर दुनिया भर में ट्रैवल करें तो आप देखेंगे कि वो लोग अपनी चीजों को प्रिजर्व करते हैं। जी जी जी। आप जाएं तो आपको ऐसी इमारतें मिलेंगी जो कि पता नहीं कब बनाई गई होंगी, लेकिन वो उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। हमारे यहाँ भी तो प्रिजर्व किया हुआ है, बंस रोड बना के नीचे रेस्टोरेंट बने हुए, ऊपर बिल्डिंगों की अम्मी अबू हुए हुए। लेकिन एक बात अच्छी है, मैं अभी पिछले दिनों इंटीरियर सिंध गया था। हाँ। और मैं रस्ते में फॉर सम रीजन मगली पे रुका। ओके। और वैसे ये था कि मगली के ऊपर बाउंड्री वॉल नहीं थी, ठीक है, मतलब वो आप ऐसे अंदर चले जाओ और जो आपने करना कर लो। लेकिन जब मैं गया तो एक बैनर लगा हुआ था, तो मैंने कहा ये मैंने अंदर जाना है, तो उन्होंने कहा आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते क्योंकि अब इसकी रेनोवेशन चल रही है। और गाड़ी क्यों नहीं अंदर लेके जा सकते, क्योंकि लोग कब्रों के ऊपर गाड़ी चढ़ा लेते थे तस्वीर खींचने के लिए, तो वो कब्रें टूट रही थी, जो दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है हमारे। तो कह रहे हैं आप गाड़ी अंदर जाना बिल्कुल मना हो गया है। अगर आपको घूमना है तो आप शटल लें, 100 रुपए एक बंदे का है, वो चाइनीज इलेक्ट्रिक शटल घूम रही है अंदर, जो कि आपको पूरा टूर कराती है, और अब उस चीजों को रेनोवेट किया जा रहा है, उसको संभालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अल्लाह माफ करे, जो मुझे टूर करा रहा था जो वो शख्स थे, बड़े अच्छे थे वो, उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोग आते हैं और यहाँ से पत्थर चोरी करके ले जाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि हम लोग कौन है, लेकिन अच्छा लगा कि चले उसका ख्याल रख रहे हैं, वो जितना बच गया है अब उसको वो संभाल रहे हैं। हाँ, मैंने जैसे कहा कि आप, मैं टर्की गया रिसेंटली, तो मैंने देखा कि वो कितनी पुरानी पुरानी इमारतें हैं जिसको वो और बेहतर करने की कोशिश करते हैं और उसको वो चेंज नहीं करते। ये होता है ना कि आप अभी मॉडर्न उसको स्टेट ऑफ द आर्ट बना लें, वो जानबूझ के उसको उसकी ओरिजिनल शेप में रखना चाहते हैं, इसकी के उसकी हेरिटेज बरकरार रहे, उसको लोग देख सके, और उससे करोड़ों रुपए कमाते हैं वो। टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। आप देखें बंस रोड
पे 6 बिल्डिंगों में बल्ब लगा के उसको हल्का से एक रंग का कोट करके उसकी शक्ल बदल दी। तो हमारे पास ये जो सदर और ये वाले इलाके हैं, ये तो ऐसे के लोग आके यूं खड़े रहे, उस पर डेटे लिखी है वो कब के बने हुए। लेकिन हम, अल्लाह माफ करे, हमने उनको छोड़ा हुआ है और वो हम तो कहते कि जिसके बाद रहने की जगह ना हो ये टूटी हुई बिल्डिंग में रह ले। हाँ, और अभी मैं रिसेंटली आपसे एक और चीज शेयर करूं, अभी मैं कहूंगा तो आदि को याद आएगा। हम लोग रिसेंटली लाहौर गए थे काम के लिए और वहां हमने एक स्पेशल, वहां जो एक मशहूर नाश्ता है वो हमने जाके सुबह सुबह किया। तो वहां से जब हम वापस आ रहे थे तो आदि उस बादशाही मॉस्क को बहुत गौर से देख रहा, तो मैंने कहा आदि क्या देख रहे हो? तो इसने कहा कि यार ये किसी ने बनाई है हाथों से, इतनी बड़ी जगह, मतलब आप देखें, और उसको अभी तक वैसे ही लोगों ने, और उसने कहा कि क्या एक जमाने में यहाँ पे कोई बादशाह निकलता होगा यहाँ से बाहर, या उस जमाने के लोग होते होंगे। तो वाकई इस तरह की चीजें अगर पूरी दुनिया में हो तो लोग उसको प्रिजर्व करते हैं, लोग उसकी हेरिटेज को बरकरार रखते हैं, आपकी सकाफत बरकरार रहती है। हाँ। लोग आते हैं दुनिया भर से और आके वो चीजें देखते हैं, एंजॉय करते हैं। जो वहाँ के लोग होते हैं वो बड़े प्राउडली बताते हैं कि यार हमारे मुल्क में ये है। जी जी जी। और हम लोग जो है हमारे यहाँ तो बिल्कुल, और अब तो मैंने देखा है कि जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, जो बच्चे हैं, उनको इस तरफ लाया नहीं जा रहा ना, क्योंकि उनसे तो बात ही होती है दुबई, टर्की, अमेरिका। उनको कोई दिखाता ही नहीं अपना सिंध, हमारा पंजाब, हमारा बलूचिस्तान, वो दिखाते ही नहीं है क्योंकि वो कूल नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप मिट्टी चले जाएं, आप गवादर चले जाएं, आप ऊपर नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं, हर मोड़ पे एक ऐसी चीज है कि आप कहते हैं यार ये क्यों नहीं बताते, हमारे पास हिस्ट्री है, हमारे पास सब है। लेकिन हमें शायद अमेरिका, दुबई ये बोलने में कूल लगता है, तो ऐसी सही। चले कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि हमारे तवस्सुल से लोग वहां जाना शुरू करें। बिल्कुल जाएं। वो भी बहुत कूल है अगर आप जाएं तो। बिल्कुल कूल है यार, हजारों साल दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, बादशाहों की कहानी है। उधर एक जगह एक वो टोम बना हुआ जिसमें वो कहता है कि लिखा हुआ बाहर के, उस बादशाह ने खुद खड़े होकर बनवाया था कि ये बनाना, इधर मुझे दफनाना। और उनके उनके जो जो कब्रें हैं वो पूरी वन स्टोन है, वो अलग अलग स्लैब नहीं है, वो एक पूरा पत्थर है जिसको हाथ से कार्व करके उस पर आयतें लिखी हुई है, डिजाइन बना हुआ है, कितनी मेहनत बगैर मशीनरी की होगी। वो आप जाके देखें, उसको हाथ लगाएं तो आपको होता है यार एक इंसान ने कितनी मेहनत की होगी इतने की हिस्से के लिए। और पूरे पूरे असल में पहले लोग मेहनत भी कर लेते थे ना, स्नैपचैट नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, तो लोग मेहनत करते थे खुशी खुशी। अब ये होगा ना कि यू वेंट टू मकली। हाँ, खैर आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आज के जो उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, बिल्कुल, ना सिर्फ अपने करियर पे बल्कि अपने ऊपर भी, क्योंकि एक इंसान इस कदर फिट है कि मतलब मुझे लगता है फिट ही हुआ चला जा, हर जगह बॉडी है। हाँ माशाल्लाह, चर्बी है ही नहीं। हाँ माशाल्लाह, एक जबरदस्त फिट आदमी है, बहुत ही अच्छे एक्टर है। रिसेंटली इनका एक प्रोजेक्ट में प्रोमो मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छे लगे। स्पेशली मैं इनको बताना चाहता हूँ क्यों, क्योंकि इन्होंने अपनी लुक को चेंज किया और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसमें। इनको बुलाएंगे, तंग करेंगे, बहुत सारी तालियां आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर रईस बाबा। वेलकम सर, वेलकम, गुड इवनिंग, आइए तशरीफ रखिए। वेलकम टू द मजेदार शो। थैंक यू सो मच। राइट, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? परफेक्ट, अल्लाह का शुक्र। यार तुम्हें तो सर्दी नहीं लग सकती मुझे लगता है। इतने बड़े बड़े डोलों पे कहां सर्दी लगती है? इट्स अ फैशन, इट्स अ फैशन, बताइए। राइट, क्या कब, पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद, आपका वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। आई रियली रियली एंजॉयड कि आपने एक लुक चेंज की और एक आपको किसी ने सही जगह यूटिलाइज किया। हैट्स ऑफ टू मोहसिन भाई, मोहसिन तलक। हाँ, क्योंकि वो देखते हैं कि जिसमें टैलेंट होता है उसको वो निकाल के ले आते हैं। सो वंडरफुल, बिल्कुल। और मोहसिन भाई की अच्छी बात है, जिसमें टैलेंट ना हो उसको भी वो देखते हैं, अब उसको देखते रह जाते हैं जब तक वो चला जाता है। मोहसिन भाई, ये आपको आदि अब बीच का था मुझे नहीं मालूम। तो सर क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोग सुनाए, आप लोग कैसे? जबरदस्त यार, मुझे बताएं सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, किसने कहा एक्टिंग करनी है, खुद कहा एक्टिंग करनी है, किसी ने इंप्रेस किया? एक्चुअली मैं के बिहाइंड द कैमरा काफी टाइम से काम कर रहा था। अच्छा। और साकिब मलिक जो हमारे मुल्क का बड़ा नाम है, उनको तकरीबन 7 साल मैंने असिस्ट किया है। वाह वाह। तो उसके बाद एकदम से आप रणबीर कपूर टाइप मुझे लगे। नहीं, तो उसके बाद जब ये हुआ कि यार हमारे जो कमर्शियल डायरेक्टर्स हैं वो कंटेंट पे इतने अच्छे नहीं होते जितने हमारे टीवी डायरेक्टर्स होते हैं। बिल्कुल। और टीवी डायरेक्टर्स में सबको नहीं कहूंगा, प्लीज कोई बुरा ना माने कि मेरी बात से कि ये रायत ने क्या बोल दिया। बहुत सारे लोग तो इस बात पे बुरा मान जाएंगे कि आप उनको डायरेक्टर बोल रहे हैं। तो उन लोग के क्या नाम है, विजुअली वो इतने अच्छे कैप्चर्स नहीं कर सकते आपके लैंडस्केप को, आपकी चीजों को। तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे, यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो आपको इतनी डिटेल में आपको पढ़ाए, तो उसकी वजह से मैं एक्टिंग की तरफ आया। हाँ। अब जब एक्टिंग करने लगा तो मजा आना शुरू हुआ। फिर ये पहला एक्टिंग का गिग कैसे मिला, मैं ये जानना चाहता हूँ। या पहले मजा आया?
नहीं पहले मजा आया, पहले मजा पहले मजा आया फिर एक्टिंग की, फिर एक्टिंग की, ठीक है ये बात हकीकत है, पहले मजा आया फिर एक्टिंग की। नहीं बिकॉज आप बिहाइंड द कैमरा होते हैं तो आप बहुत एंजॉय करते हैं, मैं तो बहुत एंजॉय करता हूं अगर बिहाइंड द कैमरा काम करने का मौका मिले। उसी वजह से तो मैं इस तरफ आया था कि यार मुझे आगे से आगे सीखना है कि और डिटेल में वर्क होता किस तरह है, ठीक है, क्योंकि हम जितने भी हमारे बड़ा इजी होता है कि एक मंझे हुए एक्टर को कास्ट कर लो और वो आके पूरा कमर्शियल कर दे और वो उसको पता होता है कि मुझे पॉज कहाँ देना है, उसको पता होता है कि मुझे ठहरना कहाँ है, आपको गैप कहाँ करना है, तो बड़े इजीली वो आके कर जाता है। लेकिन ये यही चीज एक डायरेक्टर को खुद भी पता होनी चाहिए कि अगर मैं कुछ करवा रहा हूँ तो मैं इसको कहाँ पॉजेस लूँ और कौन सी ग्रिप वाली लाइन है और कौन से वर्ड है जिसपे यानी ग्रिप हो जाए उसके अंदर, ठीक है। तो आपने क्या किसी को बोला कि यार बहुत काम कर लिया मुझे कैमरे के आगे आना है, या किसी ने देखा बोला पप्पू करोगे काम? पप्पू तो नहीं बोला था, पहले तो ये बोला था बेटा जाके अपनी शक्ल ठीक करो उसके बाद। अच्छा शक्ल ठीक करो, ये वाक्या सुनना है हमने, क्या मतलब शक्ल ठीक करो? ये क्या हुआ? एक प्रोडक्शन हाउस गया वहां पर काम करने के लिए, क्योंकि यूजुअली एडीज को कोई इतना जानता नहीं है, ठीक है, तो उसकी कोई पीआर वीआर इतनी होती नहीं है, कमर्शियल एक दुनिया बिल्कुल अलग है और ड्रामा की दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है। तो एक प्रोडक्शन हाउस गया, वहां पर जाके बैठा, मैंने कहा यार एक्टिंग करनी है, चीजें करनी है। मैंने कहा हाँ सही है, एक्टिंग कर सकते हो, पहले एक काम करो अपनी शक्ल वकल ठीक करो, गोरे चिट्टे हो क्या, उसके बाद हम गोरे चिट्टे हो क्या, गोरे चिट्टे ये कैसे होता है मैं जानना चाहता हूँ, आपने पूछे नहीं कैसे होता है भाई, गोरे किसका दूध पियेंगे गोरे चिट्टे हो जाएंगे? हाँ ये तो वो वही बेहतर बता सकते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बस इससे ज्यादा क्योंकि हमारे मोहसिन भाई से मैंने भी सब चीजें सीखी है कि जब आपके साथ सामने कोई बहस कर रहा हो ना, तो मोहसिन भाई की बड़ी जबरदस्त सी आदत है, मोहसिन भाई बोलते हैं अच्छा गुड ठीक है आप ठीक कह रहे हैं, तो बहस करने में कुछ रखा ही नहीं है। तो नहीं, लेकिन अगर किसी ने आपसे कहा कि जाएं राइट आप घोरे चिट्टे हो क्या है और मुंह ठीक करके बाहर निकल के क्या किया, आपने कहा बकवास कर रहा है, आपने सोचा है कुछ करना पड़ेगा, आप स्लो मोशन में चलने लग गए? नहीं मैंने कहा कहीं और ट्राई करते हैं बॉस, ठीक है, कोई दुनिया में मतलब ये नहीं सोचा कि घोरे चिट्टा कैसे होना है, कोई दुनिया के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप घोरे चिट्टे हो। आप बिल्कुल, बहुत सारे लोग इस बात पे एतराज करते हैं कि तुमने फिजिक इतनी अच्छी क्यों बना ली है, एतराज करते हैं? हाँ बहुत सारे लोग एतराज करते हैं, बोलते हैं कि तुम हल्क आते हो, बिल्डर लगते हो, लेकिन अगर मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं तो मेरी जो मेजरमेंट्स हैं बॉडी की वो एक उतनी ही है जितनी एक स्टैटिक बॉडी की होनी चाहिए, जो जरूरत होती जो नीड मतलब इतने एबनॉर्मली तो आपकी कोई बिल्डिंग नहीं है, मीडियम साइज की जैकेट पहना हुआ हूं, 32 वेस्ट की जींस पहना हुआ, तो इसमें भी तकलीफ, बिल्डर कहां से हो गया यार, हद हो गई। ये तो मैंने पहली दफा सुना है कि किसी एक फिट आदमी को आप बोल रहे हैं कि यार आपकी आप बहुत ही अजीब से लग रहे हैं बॉडी, कॉमन सुनता हूं मैं। और जिस तरह फुरकान भाई बता देंगे जब वो पहले शुरू में आए थे तो उनका बिल्कुल वेट नहीं था, तो लोग बोलते थे बेटा अपनी थोड़ी जान बनाओ, इतने कमजोर से इनको कह रहे कि बॉडी बना ली है, करना क्या है फिर क्या? अच्छा तो फिर ये जो वाकया हुआ कि जाओ गोरे क्या हो, ये कितने अर्से पहले का है? ये तकरीबन 4 साल पुरानी बात, 4 साल पुरानी बात, 4-5 साल पुरानी बात। अब वो लोग कहते हैं कि जाओ गोरो क्या हो, या वो कहते हैं नहीं अब आप गोरे हो गए? बोलते हैं कि बॉस डेट्स देते हैं यार, ये हुई ना बात जबरदस्त। तो मुझे ये बताएं वहां से आप निकले, उन्होंने कहा गोरे हो गया, मुंह ठीक कर गया, निकले फिर क्या किया? फिर गया दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस में चांस। और ये जाना कैसे हो रहा है, ये बस रैंडमली जाना हो रहा है या नहीं? क्योंकि डायरेक्शन कर रहा होता था तो मुख्तलिफ जो एक्टर्स होते थे हमारे उनसे पता चलता था कि ये प्रोडक्शन हाउस अच्छा है, ये प्रोडक्शन हाउस अच्छा है, यहाँ जाओ यहाँ, तो उनके रेफरेंसेस से जाता था हर जगह। और मिलते थे लोग? मिलते लोग, बात भी करते थे, लेकिन काम इतनी आसानी से मिलता नहीं है। वो कह देते हैं अच्छा ठीक है अगले वाले में कराएंगे आपको, है इसलिए बेटा नहीं हूं ना। हां नहीं बोलता था, अगले वाले में कराएंगे अगले वाले में कराएंगे, सही है। तो फिर वाह यार, बोली अब तो एक ही स्क्रिप्ट पे चल रहा है दो एवरेज कपल। हां ये बताइए तो फिर पहला मौका कैसे मिला? फिर पहला मौका इस तरह मिला कि एक है हमारे इमरान रजा जो कि शहजादा के भाई हैं, तो उन्होंने उनसे उनके पास एक तरफ मुलाकात हुई, तो उन्होंने फिर मुझे पीटीवी के अंदर 4 सीन का एक कैरेक्टर ऑफर किया, ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद वो 4 सीन किए, फिर उसके बाद ऐसा 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 10 सीन इस तरह करते 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 चीज हो गई। लेकिन इन सब चीजों को लेकर एक्टिंग के लिए तकरीबन 5 से 6 साल लग गए, 5 से 6 साल लगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आपने कहा कि मैं किसी का बेटा नहीं, इसलिए इस तरह से काम नहीं मिलता, किसके बेटे को काम मिला है मैं जानना चाहता हूँ? सभी को तकरीबन, तो अभी तो आपको ये तो बात मैं बताने की जरूरत भी नहीं है इस वक्त अगर, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो अगर किसी का बेटा है और वो उस पे चल रहा है तो उसके लिए भी टैलेंट जरूरी है? अगर टैलेंट ना हो तो आप कितनी भी सिफारिश लगा लें, हमारे बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके माशाल्लाह से बेटे काम कर रहे हैं और उनके अंदर टैलेंट है, तो वो तो एक्सेप्टेबल है कि यार बॉस कुछ नहीं जरूर उसकी घर में बैठ के उसकी स्कूलिंग अच्छी की गई है तभी वो आके परफॉर्म अच्छा कर रहा है। इससे ये है कि अगर चले आप किसी के बेटे भी और वो आपको काम करने को मिल रहा है इस वजह से, तो आपको नहीं लगता उस बेटे की भी कुछ जिम्मेदारी है कि यार अब जब मुझे अब्बा के से इतना काम मिल रहा है, अम्मा के से इतना काम मिल रहा है, तो मैं भी कुछ कर लूं? यार मैं तो एक चीज सीखी है सिर्फ इस इंडस्ट्री के अंदर से,
चाहे आप जितनी बड़ी सोर्स लगा लो, चाहे जितना बड़ा आपका पौवा हो, चाहे आप कहीं से भी आए हुए हो, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप ऊपर जाते हो। सर मैंने यही पिछले जुमले में मैंने यही कहा कि एक वक्त तक आप उस सिफारिश में चल सकते हो, अगर आप में नहीं होगा टैलेंट आपको ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी। बिल्कुल ऐसा है। और यंगस्टर्स जितने भी हमारे एज के जितने भी लोग हैं और जो आने वाले लोग हैं, करके जा चुके हैं तो करके जो चाह चुके हैं वो जा चुके हैं, लेकिन यार उन सबको मैं ये कहूंगा कि वो एक साल लगाकर, दो साल लगाकर या छह महीने लगाकर इतने डिसहार्ड हो जाते हैं, काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, मैं नहीं करूंगा, मैं चाह रहा हूँ फील्ड छोड़ के, फिर दूसरी चीजों में लग जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज में लग जाते हैं। सीरियसली बिलीव मी, सिर्फ एक एक्टिंग एक वाहिद चीज है या आपके अंदर टैलेंट एक वाहिद चीज है, अगर आपके अंदर है तो आप कामयाब हो जाओगे, चाहे 10 साल बाद हो, चाहे 5 साल बाद हो या 1 महीने की बात हो। लेकिन राहिल आपको ऐसा नहीं लगता कि, मुझे ऐसा लगता है कि बड़े सिचुएशन का बड़ा फर्क होता है, बहुत से लोग 1 साल 1.5 साल 6 महीने करके चले जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके हालात ऐसे होते हैं कि उनको इजाजत नहीं दे रहे होते वो कि यार इस पे और टाइम जाया करें, क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसा होता है। बाहर के मुल्क में आर्टिस्ट क्यों होता है, क्योंकि उसको जिंदा रहने की टेंशन नहीं होती, उसका मुल्क उसको पालता है, तो कम से कम उसको ये पता होता है कि मैं छत के नीचे सोऊंगा मुझे खाना मिलेगा। यहाँ वाले का मसला ये है कि उसको पता है कि अगर रुपया नहीं कमाया तो आज रात को भूखा सो जाऊंगा। लेकिन आदि मैं मेरे इस पे एक हेल्दी डिबेट हम चल रही है हमारी, वो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो लोग काम करने आते हैं ना, एक तो स्ट्रगल से भागते हैं, स्ट्रगल नहीं करें, वो चाहते हैं मैं आज आया हूँ, कल मुझे काम मिल जाए, परसों मुझे लोग पहचानते हों और तरसों में स्टार बन जाऊं। हाँ, ये बड़ा मसला लोगों का ये भी है, लेकिन ऑन दी अदर एंड वो वाले लोग भी तो है ना जो, मैं एक साहब को जानता हूँ जो 15-20 साल से एक्टिंग कर रहे हैं, वो और आज तक वो कमर्शियल और टेलीफिल्म में और ड्रामों में एक सीन आधा सीन वाला करेक्टर नहीं होता, जो एक्स्ट्रा टाइप का करेक्टर होता वो कर रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, मेरे हाथ दोनों तरह के होते हैं, लेकिन दैट डिपेंड्स, किस्मत बहुत डिपेंड करती है आपकी। फैजान ने एक बात बोली कि हम लोग डिसहार्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत हालात हम आप मैं या हम जिस एरिया से आए हैं और जिस तरह हम उठ के आए हैं काम करने के लिए, हम सब ने बहुत सारी चीज़ें फेसेस की हैं। एब्सोल्युटली सही है, अप्स एंड डाउन्स हम सब ने देखे हैं, मैंने भी देखे हैं और आप लोगों ने भी देखे हैं, लेकिन हम डिसहार्ट हुए, हमने कहा हमें कुछ करना है, चाहे हम भूखे रहे, लेकिन हमने डिसाइड कर लिया हमें करके दिखाना है। और बात रही कि 15 साल से 10 साल से ऐसे लोग आप जानते हो जो एक सीन दो सीन अभी तक कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, वो आगे क्यों नहीं आ रहे, तो मैं ये कहूंगा कि बास औकात किस्मत आपको सिर्फ एक सीन का मौका देती है और आपको उसी में कुछ करके दिखाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको हल्का ना लो। एब्सोल्युटली हल्का ना, लेकिन पता नहीं बाकी नसीब ही है। देखें बात वही है कि मेहनत तो फिर हर कोई करता है, लेकिन कभी कभार किसी का आलू नहीं चलता। मैं इसको ये कहता हूँ कि आलू चल गया, मैं अपने बारे में ये कहता हूँ कि अगर हम टीवी की डेफिनेशन लें तो मैं तो उसकी किसी क्राइटेरिया में नहीं आता। मैं ना कॉमेडियन हूँ, ना मुझे जोक्स आते हैं, ना मैं पतला हूँ, ना मैं खूबसूरत हूँ ऐसा वाला, तो ना मैं गोरा हूँ, तो ना मेरे ऐसे ताल्लुकात हैं, ना मैं ताल्लुकात बनाता हूँ। तो ये तो मेरा आलू चल गया है जिसकी वजह से मैं इतनी जगह काम कर रहा हूँ, वरना मुझसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग और मुझसे बहुत ज्यादा हसीन लोग हैं जो बेचारे कह रहे हैं कि यार नहीं है काम, तो ऑडियंस ग्रैब करना आती है ना। हाँ, तो जाओ तुम गोरे हो क्या, चलो ऑडियंस ग्रैब ना भी हो तो पकड़ लेता हूँ। जाओ गोरे हो क्या, चलो। अच्छा मुझे बताएं कि ये काम माशाल्लाह चल पड़ा और सब कुछ इस सारे टाइम में, जब तक एक स्ट्रगल चल रही थी, और मैं ये कहता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में हमेशा स्ट्रगल रहती है, पहले अपने आप को मनवाने की स्ट्रगल होती है, आप एक दफा मनवा लो तो फिर मुसलसल अच्छे काम करते रहने की स्ट्रगल होती है, तो आपकी स्ट्रगल चेंज होती रहती है लेकिन स्ट्रगल रहती है, ठीक है ना। जब ये काम एस्टैब्लिश हो, इसके बीच में जो आपकी स्ट्रगल रही है उसमें कभी रिग्रेट हुआ है कि यार ये मैं कुछ और कर लेता, या मैं कुछ और देख लेता हूँ या ट्राई कर लेता हूँ, या फिर मैं जो पहले कर रहा था वो अच्छा था, मैं वहीं चला जाता हूँ वापस? देखो ये बात तो है कि रिलेशन बॉय बहुत ज्यादा थी पहले के, मैं बीच में सोच रहा था कि मैं बिल्कुल स्विच कर जाऊँ फील्ड से, ठीक है, लेकिन मेरी फैमिली सपोर्ट मेरी बहुत है, कि मेरी वाइफ की मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है हर चीज़ पे, और उसने कभी मुझे डिसहार्ट नहीं होने दिया किसी भी तरीके से, जबरदस्त। और वो खड़ी रहती थी, उसने कहा नहीं आप करें, कोई मसला नहीं है, आप अगर चीज़ें नहीं भी हमारे घर की या फैमिली इश्यूज कुछ हो भी रहे तो हम मिलकर संभाल लेंगे, कोई इश्यू की बात नहीं, लेकिन आप काम करें। और आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? यार kind of love marriage arrangement दोनों कर लिया। ये कैसे हुआ, ये कैसे होता है love और arrange दोनों साथ? ये ऐसा हुआ कि मुझे पसंद थी, मैं रिश्ता भी जमा से आऊंगी बस, तो ठीक है ना। मेरे साथ ऐसे ही होता है, देखो पसंद मेरी थी, बिल्कुल आसान arrange वहां से हुई, तो love arrange ये बिल्कुल ऐसे हुआ। मैं पंप पे गया, मैंने कहा 100 का पेट्रोल डाल, उसने डाला, मैं घर आ गया। इतने आसान, ये तो अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। अच्छी बात। अच्छा नहीं मुझे बताएं, कभी बार ऐसा हुआ है कि आप और भाभी दोनों इमोशनल हो गए हो कि यार नहीं नहीं क्या हो गया, क्या चीज रोक रही है, ऐसे हुआ है कभी कि दोनों बैठ गए आमने सामने आके? हाँ होता है, बास औकात मैं डिस्कस करता हूँ चीज़ों को उसके साथ बैठ के,
और चीजें कभी कभी वर्क नहीं कर रही होती हाँ। तो क्योंकि खावतीन है वो लोग ड्रामे ज्यादा देखती हैं तो हाँ। उनको पता है कि हमसे ज्यादा पता होता है कि क्या चीज इन है और क्या चीज आउट है। तो मुझे बताते रहती कि आप इसको इस तरह कर लें, आप ये चीज कर लें, फला कर लें, ढमकाना कर लें, शायद आपकी चीज अच्छी हो जाए। लेकिन मेरे हर बात का सिर्फ एक ही जवाब है कि अगर मेरी एक्टिंग इस काबिल है तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। वाह, बिल्कुल ऐसी बात, ये बात बिल्कुल ऐसी है। अच्छा मुझे बता, अपना काम देखते हैं? मैं देखता हूँ। और कितना सीरियसली देखते हैं? अच्छा बुरा, कभी खुद से इंप्रेस हुए कि यार क्या सीन किया बॉस? अक्सर बुरा ही लगता है। बुरा ही लगता है हाँ, ये एक अजीब सी प्रॉब्लम हम सबको अपना काम देखते हैं भाई, ये क्या? मुझे तो उल्टी आती है, मुझे तो आपको देख के उल्टी आती है। यार ये मैंने क्यों यहाँ रुका, यार क्यों पॉज लिया, यार मैंने यहाँ ये डायलॉग्स इस तरह क्यों बोल दिया। अच्छा आपको अपनी आवाज अच्छी लगती है सुनने में? मतलब मुझे वोकल्स अपने अच्छे लगते हैं। अच्छा वो लगता है, वोकल्स अच्छे लगते हैं लेकिन ज्यादातर मुझे अपनी एक्टिंग अच्छी नहीं। अच्छा ये बताएं आसपास के लोगों का काम देखते हैं और कौन से एक्टर क्या काम कर रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है तो किसका काम अच्छा लगता है अपनी एज ग्रुप में? यार मुझे जो काम पसंद है, अगर हर किसी का अपना एक थीम है, एक हर बंदे ने अपनी एक थीम बना के रखी हुई है। जैसे फिरोज है वो जज्बाती एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी कर लेता है और जो गुस्से वाला एग्रेसिव जो लोग होते हैं वो एक्टिंग वो ज्यादा अच्छी करता है। ठीक है, और डिफरेंट है हर किसी का। कोई जैसे बिलाल है, बिलाल रोमांटिक भी अच्छा कर लेता है और चीजों को कैरी कर लेता है। बिलाल अब्बास की बात कर रहे हैं? बिलाल ठीक है। तो हर किसी के एक अपना अपना है। जैसे अपना जैन है, जैन गेटअप्स बहुत अच्छे करता है, अपने लुक्स पे बहुत काम करता है। बिलाल अशरफ का बताए क्या पसंद है आप? कुछ नहीं, आम अगला सवाल। यार देखो होता क्या है, मतलब क्या होता ये कि आप सबका काम नहीं देख पाते। मैंने कुछ कहा ही नहीं, आपको टाइम मैंने भी कुछ नहीं कहा। आप दोनों ये क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं? क्योंकि आपने एक सवाल किया, उसने सोचा पहले नहीं, पहले राहित ने सोचा मैंने उनको कोई काम देखा है तो नहीं देखा, कोई बात नहीं, बात थोड़ी आ गई। दूसरे काम अगर नहीं काम सोचा, एक्चुअली मैं काम सोचा था, मैंने देखा एग्जैक्टली नहीं, राइट फील हो रहा था, सोचा अच्छा मैंने क्या देखा, अच्छा मैंने नहीं देखा। मुझे बता तुम्हें काशी भाई का क्या पसंद है? अल्लाह माफी करते भाई, पहले लोग झूठ बोलते थे मर जाते थे, अब तो बिल्कुल ही डर लगता है इस बात से। नहीं नहीं यार काशिप भाई माशाल्लाह किसी काम के नहीं है। नहीं नहीं मैं आपको सही बात बताऊं, हाँ मेरा भी यही है, सेम जवाब। अच्छा हर एक्टर के कुछ ना ख्वाब होते हैं कि जी मैंने ये वाला कैरेक्टर जरूर करना है लाइफ में, एक पसंदीदा आइडियल कैरेक्टर होता है ना, कौन सा कैरेक्टर पसंद है यार ये मैं करूंगा कभी? यार मुझे जो है ड्रीम कैरेक्टर, मुझे डांस और फाइट के साथ एक कोई कॉम्बिनेशन हो, डांस और फाइट भी, फाइट भी कैसा अलग अलग तो, नहीं नहीं अलग अलग एक, यानी एक ऐसी फिल्म हो या एक कोई ड्रामा तो हो नहीं सकता, एक ऐसी फिल्म हो जिसके अंदर एक्शन भी हो और जिसके अंदर डांस भी हो, हाँ। वो करने का। वैसे अब थोड़े ड्रामा इस तरफ आ रहे हैं, थोड़े एक्शन वैक्शन आने लग गया हमारे यहाँ, देखा मैंने हल्का फुल्का हुक्का हुक्का चल जाता है, पहले नहीं होता था। लेकिन उसके अंदर उस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो एक्शन के लिए वो रिएक्शन का आना जरूरी है। एब्सोल्युटली, जिसके रिएक्शन आता हो वो एक्शन कर सकता है। अच्छा किसकी एक्टिंग देख के लगता है कि यार इनसे मैं कुछ सीख सकता हूँ? यार नो डाउट फैसल भाई, फैसल भाई यार क्या बात है ना, जबरदस्त। क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स हैं जैसे नुमान भाई भी हैं, दूसरे बड़े एक्टर्स हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बल्कि हम उनके करीब भी नहीं आ सकते। लेकिन फैसल भाई एक ऐसी चीज है कि वो हर चीज को बड़ी बारीकी से उठाते हैं, बड़ा मजा आता है उनकी एक्टिंग देख के। जैसे अभी उनका बशीर दिले मोमिन चल रहा है या कौन दिले सा है? दिले मोमिन चल रहा है, दिले मोमिन, बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं एक और बात कि आप माशाल्लाह बड़े हेल्दी और बड़े जबरदस्त फिट हैं, अभी जो आप कैरेक्टर कर रहे हैं दैट इज नॉट राइज एट ऑल, मैंने मुझे वो अच्छा इसीलिए लगा कि मैंने कहा ये राइज नहीं लग रहा मुझे, जो कि हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये कि अगर आप कोई चीज अच्छी करें या अगर आप अच्छे दिखते हैं तो लोगों की डिमांड ये होती है कि जी मैं स्क्रीन पर अच्छा ही लगना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये हमारे यहाँ आप देखें जितने टॉप के एक्टर्स होते हैं वो सब एक जैसे लग रहे हैं, उनके छह प्रोजेक्ट देख लें सब एक जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसा। इस बात पे मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, अहमद अली अकबर बिग शाउट आउट टू यू, आपने परिजात किया, आपने वो चीज ब्रेक की, मुझे लगता है वो कोई और नहीं कर सकता। अहमद तो मैं हमेशा ही हाँ अच्छा, ये इस पे कभी सोचा आपने कि यार ये मैं कर तो रहा हूँ लेकिन इसमें मैं हीरो नहीं लगूंगा तो मैं करूँ या नहीं करूँ, कोई डाउट आया दिमाग में? बिल्कुल भी डाउट नहीं था क्योंकि मोहसिन भाई ने इतना अच्छा इसको मुझे ब्रीफ कर दिया था हाँ। इन सब चीजों को कि मैं डैम श्योर था कि इसके जो जुमले हैं जो इसके वर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को दिमाग में रह जाएंगे। मुझे उस पर मेहनत करनी थी कि मैं ऐसे कौन से वर्ड इस्तेमाल करूँ कि वो वर्ड्स लोग तौर पे बोलना शुरू हो जाए, ना कि मैं अपनी गेटअप से करूं। और इसमें लुक्स जितने ही ऑर्डिनरी होते जितने ही डाउन होते वो लोगों को उतना रिजेम्बलेंस करेगा, क्योंकि एक तरफ अली था सही, दूसरी तरफ फाइक भाई भी थे और सब अपने ग्लैमर में, यशमा फुल ब्यूटी क्वीन बन के आई हुई थी तो उसके अंदर, यानी कैरेक्टर है ना, तो उसके बीच में अगर मैं आता
और मैं जितना ही डाउन होता तो मैं उतना एनहांस अच्छा होता। लगता मैंने पता मैंने भी देखा था तो मैंने यही कहा, मैंने कहा बिल्कुल राहत भाई नहीं लग रहे ना हाँ। तो फिर मेरे साथ मेरे भाई भी बैठे थे, उन्होंने कहा ये हुमायूं सही थे, तो वो कोई और मैं देख रहा था चीज आप थे ही नहीं। हाँ तो मैं हो नहीं सकता था कैसे किया आपने ये? बस ये 10 बजे ऐसी बातें होती है। वेरी गुड। अच्छा जब एक स्क्रिप्ट आता है तो उसकी क्या प्रोसेस होता है उसको हाँ या ना करने का? मैं सबसे पहले क्या देखता हूँ? मैं अपना कैरेक्टर देखता हूँ, मैं देखता हूँ डायरेक्ट कौन कर रहा है, मैं देखता हूँ चैनल कौन सा है, मैं देखता हूँ पैसे कितने आ रहे हैं, प्रोडक्शन सबसे पहले देखता हूँ कि डायरेक्टर कौन है। सबसे पहले ठीक है डायरेक्टर कौन, तो डायरेक्टर पैसे ना हो, डायरेक्टर बहुत अच्छा हो, पैसे भी क्यों ना हो। मैं कहता हूँ फेवरेट डायरेक्टर हो आपको, बोले यार पैसे नहीं है बॉस, मैं कर जो कि हमारे अक्सर होता है, मैं कर लूंगा इस दफा कम है, अगली दफा बढ़ा देंगे, हमेशा जो होता है मैं सीरियसली मैं कर लूंगा। अच्छा जबरदस्त यार, क्योंकि उसकी बहुत सारी वजूहत है हाँ। कि एक दफा आपको अपना नाम बनाना होता है, जब आपकी मार्केट बन जाती है तो उसके बाद पैसा खुद ही आता है। अच्छा ऑन दी अदर एंड अगर ऐसा हो कि बिल्कुल फारिग समझो मैं डायरेक्टर हूँ ठीक है, अल्लाह खैर करे मैं डायरेक्टर हूँ लेकिन पैसे मैं आपको 2 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, करेंगे मेरे साथ काम? जरूर करूंगा, वजह पूछे, वजह खुद मैं डायरेक्शन कर लूंगा आके। आपको बोलूंगा आप आराम करें, मुझसे 1 करोड़ रुपए लें, आप साइड में बैठे, मैं आप मुझे 2 करोड़ दें, 1 करोड़ मैं आपको वापस कर वापस कर रहा हूँ, लेकिन आपने बैठना है खामोशी से। काशी भाई आप बताएं आप क्या करते हैं, कि कोई शो या कोई कॉन्सर्ट करते हैं जी बिल्कुल, तो आप क्या करते हैं कि पैसे देखते हैं या जगह देखते हैं कहाँ कॉन्सर्ट है या शो है, क्या आप क्या करते हैं? अगर बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो पैसे कम हो आप कर लेंगे? बिल्कुल करूंगा बिल्कुल। ठीक है ओ, ये 4-5 लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों लगा आपकी कवर में बता। ये बताएं और अगर वो आपको कहे जी स्टेडियम में आके गाने, आप अकेले होंगे कोई भी नहीं होगा स्टेडियम में, लेकिन 10-50 करोड़ गाऊंगा। ये आदमी हो गया लालची, ये क्या कर रहा है, हर तरीके से खुश है कह रहे बस काम आने दो। आप क्या करोगे? क्या करूंगा इसके बाद क्या करोगे? मैं खाना खाऊंगा घर जाऊंगा, मुझे पता था ना इसीलिए मैंने पूछ लिया। एक मेरा सवाल ये है कि कभी ऐसा हुआ है कि आपके आपके जहन में आया हो कि यार ये काम तो मैं कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा भी चल रहा है और पैसा भी आ रहा है, काम भी आ रहा है, कभी ऐसा सोचा कि इसके साथ कोई और चीज जोड़ लूं जो लोग जिसको कहते हैं प्लान बी? यार प्लान बी वैसे तो है मेरी लाइफ का। अच्छा मैंने 40-45 के बाद वैसे ही एक्टिंग को ऑफ कर देना है। क्यों? तो अभी 45 में बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, लेकिन 40-45 के बाद मैं ऑफ कर दूंगा। क्या करेंगे? डायरेक्शन करूंगा प्रॉपर। अच्छा मतलब रहेंगे इधर फील्ड में रहेंगे? मैं अपनी प्रॉपर डायरेक्शन करूंगा, जिस जो काम मैंने शुरू से सीखा है बचपन से, जिस काम को मैं करते हुए आ रहा हूँ। तो दोनों चीजें साथ मैनेज नहीं हो सकती क्या? आप एक्ट भी करते रहे डायरेक्ट भी करते रहे, इस पे भी एतराज है लोगों को। अच्छा इस पे भी एतराज है, कैसे उधर हो जाए उधर हो जाए, दो कश्तियों क्योंकि सवार हो। अब ये मैं किस किस को एक बात समझाऊं यार, पूरी दुनिया करती है, पूरी दुनिया करती है, पूरी दुनिया करती है। अब एक नॉर्मल सी बात है मेरी, मैं उनको एक दो लोगों को मैंने एक्सप्लेन भी किया, मैंने कहा यार ये जो मीडिया है ना ये एक बुक है, जब बुक को आप ओपन करते हो तो उसके अंदर चैप्टर्स होते हैं बहुत सारे, चैप्टर 1, 2, 3 एक्टिंग डायरेक्शन आर्ट डायरेक्शन प्रोड्यूसर लाइन प्रोड्यूसर यानी वॉट एवर आप कुछ भी है वो सब उसके चैप्टर्स हैं। अब आपके अंदर कितनी एबिलिटी है कि आप किसको कितना पढ़ सकते हो। अब अगर मैं एक एक्टिंग को मैं डायरेक्शन मैंने पढ़ी और उसके बाद मैं एक्टिंग की तरफ आ गया तो ये मेरी काबिलियत थी ना कि मैं यहाँ तक आ गया, मैंने ये पढ़ ली। हो सकता है मुझसे 10,000 लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं जो एक्टिंग भी करते हैं डांस भी करते हैं फाइट भी करते हैं डायरेक्शन भी करते हैं लिखते भी हैं गाना भी गाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हमारे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा ये बताएं कि सिब्लिंग्स हैं आपके? हाँ। वो क्या क्या करते हैं, कौन कितने बड़े कितने छोटे, क्या सीन है? एक बड़ा भाई है मुझसे और वो क्या करते हैं? वो सऊदी में होता है। अरे वाह बस ये कर रहे हो सऊदी में? वो पीएचडी है। ठीक है पीएचडी है हाँ डबल पीएचडी। वाह और जो और छोटा कोई है आपसे? और छोटा है वो बिजनेसमैन है। क्या बात है। तो हमारे मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि हमारे कंपैरिजन बड़ा होता है ना, पहले क्लासमेट से कंपैरिजन हो रहा होता है, वो देखो फर्स्ट आ गया, फिर हमारे घर में हो रहा था वो देखो उसने क्या कर लिया, उसने गाड़ी ले ली तुमने, क्योंकि हर आदमी की अलग अलग रेस होती है ना बिला वजह की। यार नॉर्मली तो ऐसा लोगों में देखा है मैंने हाँ। लेकिन जो मेरे पेरेंट्स हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं। अच्छा वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं हर लिहाज से हर चीज में। इनफैक्ट के जैसे अभी बीच में तकरीबन 1 साल मैंने काम नहीं किया है, बिल्कुल भी काम नहीं किया मैंने 1 साल, तो मेरी अम्मी ने कभी मुझे ये बात नहीं बोली कि तुम इस फील्ड को छोड़ो कुछ और देखो कुछ और करो। अम्मी ने कहा नहीं तुम बस करते रहो सब कुछ सही हो जाएगा सेट हो जाएगा। और आज माँ बाप की दुआएं हैं कि माशाल्लाह डेट्स टाइम। ये जो आपके भाई सऊदीया में और ये जो आपके भाई बिजनेस
करते हैं, ये आप तीनों की अपनी अपनी चॉइसेस हैं कि वो अपनी चॉइस से बिजनेस कर रहे हैं, अपनी चॉइस से सर। ये तो बहुत अच्छी बात है यार, कभी उन्होंने नहीं बोला यार कोई एक कैरेक्टर मुझे भी तो दिलवा दे यार। वो मुझे बोलते हैं, बड़ा भाई मुझे बोलते हैं सब कुछ छोड़ मेरे पास आ जा। हां मैं यही करने लगा था कि ऐसा तो नहीं वो बोलते हो यार ये थोड़े पैसे डाल ले मेरे काम में। वो मुझे बोल, बड़ा भाई अक्सर मुझे बोलता है, बहुत फिकर करता है मेरे लिए और बहुत टाइम हमेशा पूछता रहता है क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो मुझे बताओ। आप थोड़ा करो, छोटी चीजें भेज बस। वो ऐसे ही भेज देता है, वो बगैर बोले भेजता है। तो वो बोलता है कि छोड़ यार क्या, आजा मेरे पास आजा, मैं खुद तुम्हारी जॉब सेट करता हूँ। ठीक है। अच्छा, और दोस्त कभी कहते हैं कि यार अब तो तुम स्टार बन गए, अब कहाँ बात करोगे हमसे, कहाँ टाइम नहीं देता यार ये लड़का, तो पता नहीं टीवी पर आता है। कुछ दोस्त होते हैं सिर्फ वही आपको इतना कंसर्न करते हैं। मैंने जिससे सवाल पूछा ना उनसे बताया कि हाँ ये मेरे एक हैं मनोज दोस्त थे, तो पहले कहते थे यार अब कहते हैं यार जितनी स्टार बन गए, स्टार बन गए। हाँ सब ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि स्टार बन गए, लेकिन यार हकीकत है टाइम कब होता है। आप सुबह उठो 9 बजे और 10 बजे आप सेट के लिए निकल जाओ, फिर 10 बजे के बाद जब आप घर आओ तो उसके बाद मेरी रूटीन जो है, पहले मैं सुबह वॉक करने जाता हूँ, फिर वॉक करके आता हूँ, फिर मैं सेट पे चला जाता हूँ, फिर उसके बाद जब मैं वापस शूट से आता हूँ तो 10:30 बजे आके अपने सब बैग वैग मेरा पैक होता है गाड़ी के अंदर, मैं 11 बजे जिम के अंदर होता हूँ। अच्छा। फिर मैं 12:30-1 बजे तक जिम में होता हूँ, फिर मैं घर आता हूँ, फिर मैं शावर लेता हूँ, खाना खाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, मैं 3 बजे आते हैं सोते सोते, फिर 3 बजे के बाद मैं दोबारा सुबह 9 बजे उठ जाता हूँ। तो भाभी ये नहीं कहती कि मैं कैरेक्टर जो हूँ इस घर का ही हूँ, मुझे भी टाइम देना है कैरेक्टर, क्योंकि पूरी रूटीन में भाभी का नाम ही नहीं आया कहीं, तो मैं इंतजार में था। ये बात सही है कि हफ्ता हफ्ता हो जाता है शायद मैं अपने बेटे से भी नहीं मिल पाता हूँ। अच्छा ये होता है। तो वो आपका जो बेटा वो ऐसे नहीं करता यार, जब पकड़ ले तो बस अब जाएगा कहीं नहीं। नहीं वो अक्सर यही शिकायत करता है, बाबा मुझे टाइम नहीं दे रहे। हाँ। तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि इस पे एकदम से कट लगा। हाँ। राय बुढ़ा हो गया, राय बोल रहा है बेटा पानी पिलाना, और बेटा बोल रहा है बाबा मैं काम पे जा रहा हूँ टाइम नहीं। नहीं फिर मैं इसके लिए करता हूँ, मैं इसके लिए करता हूँ कि सुबह इसको स्कूल में ड्रॉप करता हूँ। ये हाँ। सबसे क्यों डर कर लगती है मुझे, 15-20 मिनट इस बहाने थोड़ी आंखें भी ठंडी हो जाती है। 15-20 मिनट मुझे मिलते हैं उसके साथ और मैं पूरे रास्ते से बात करते हुए जाता हूँ। हाँ। ये तो अच्छी बात है। और पिक कौन करता है उनको? पिक ड्राइवर करता है। पिक ड्राइवर करता है, ठीक है, वेरी गुड। जबरदस्त जी हमारे साथ मौजूद है रायद, और आप वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पर जाएं, ब्रेक से वापस आए, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। उसके दो ऑप्शन है, आपने एक ऑप्शन चुनना है, अपना ऑप्शन आप नहीं दे सकते, और जब मैं आपसे कहूं अपने ऑप्शन को जस्टिफाई करें तो आपने अपने ऑप्शन को जस्टिफाई करना है। ओके, थोड़ा ट्रिकी है लेकिन आप कर लेंगे इंशाल्लाह। ये बताइए कि रैंप मॉडलिंग या फिर फोटोशूट? फोटोशूट। फोटोशूट। फोटोशूट क्यों? फोटोशूट आसान लगता है लोगों को, रैम्प से मैंने सुना लोग जरा घबराते हैं। हाँ, रैम्प में एक्चुअली आपकी सबकी सबकी निगाह आपको यूं देख रही होती है। हाँ, तो जितने भी ऑडियंस बैठे हैं आजकल तो लोग गिर भी रहे हैं, आजकल लोग गिर भी रहे हैं, आजकल लोग आधे रास्ते से वापस भी आ जाते हैं। आधे रास्ते? अच्छा, से ये क्या हुआ, ये कब हुआ, कहां हुआ, ये नहीं पता। अच्छा, ये भी हुआ है? प्लीज बताएं ना, आधे रास्ते ओ गलत हो गया, ये कहां हुआ है? हुआ है अभी रिसेंटली, हुआ कहीं अभी। रैम शोज में जितने भी लोग आ रहे हैं उनको यही नहीं पता कि आपको बिल्कुल एंड तक जाना होता है, रैम पे जाके अपनी पोजिंग करनी होती है, क्योंकि लाइट वहां पर सेट होती है। बिल्कुल, उनको कुछ पता ही नहीं होता, वो आगे तक जाते नहीं बेचारे, उनको पता होता है बस यही तक रहना और यहीं से वापस आ जाता है। इसलिए किसी बुजुर्ग ने ना रिहर्सल बनाई थी, जो हमारे यहाँ करना जो है ना करना जरूरी होती है, क्योंकि रैम की हमेशा लाइट बिल्कुल एंड पे होती है ताकि आपके कैमरे भी सारे का व्यू मिले सब ऑडियंस को। बीच में आते हैं और बीच से वापस चले जाते हैं। चलो कोई बात नहीं। ये बताएं, पॉजिटिव कैरेक्टर्स या नेगेटिव कैरेक्टर्स? वैसे पॉजिटिव, लेकिन करने में नेगेटिव मजा आता है। वैसे पॉजिटिव का क्या मतलब था भाई? वैसे पॉजिटिव इस वजह से कि हमारी ऑडियंस को पॉजिटिव अच्छा लगता है, पॉजिटिव अच्छा लगता है, लेकिन नेगेटिव में जितना मार्जिन होता है उतना किसी और कैरेक्टर में किसी और में नहीं होता। ठीक है जी, ये बताइए कि नदीम बेग या फिर नबील कुरैशी? नबील कुरैशी। नबील कुरैशी, ठीक है। वेस्टर्न कपड़े या ईस्टर्न कपड़े? वेस्टर्न। वेस्टर्न कपड़े। जिम एट होम या फिर जिम इन जिम? जिम एट जिम। जिम इन जिम। और जिम में जाके बातें करके एक्सरसाइज करना या चुपचाप म्यूजिक लगा के अपना करना? यार मेरा ट्रेनर इतना खतरनाक है कि वो मुझे बातें नहीं करने देता। बातें नहीं करना। क्या नाम है आपके? अच्छा, ट्रेनर आपका भी ट्रेनर है? मेरा भी ट्रेनर। यार मुझे तो लग रहा था आप बहुत ट्रेनर है माशाल्लाह। क्या नाम है ट्रेनर का? मेरा ट्रेनर भी है, मेरा डॉक्टर भी है, मेरे न्यूट्रिशनिस्ट भी है। एक ही बंदा? हाँ, नहीं, तीन बंदे मेरे साथ। तीन अलग अलग लोग हैं भाई, बड़ी पार्टी। हाँ, जबरदस्त। अच्छा ये बताएं कि फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स? फ्रूट्स। फ्रूट्स। दानिश तैमूर या फिर आगा अली? किस लिए? आप जो मर्जी करा ले उनसे। आगा अली। आगा अली। ओके। विंटर्स या फिर समर्स? विंटर्स।
Okay. विंटर्स के अंदर काम करना या सुस्त बिल्लियों की तरह कंबल में पड़े रहना? नहीं नहीं, विंटर्स में काम करना। विंटर में काम करना, सुस्त नहीं होते आप? नहीं। ठीक है, यशमा गिल या फिर सरा असगर? यशमा गिल। क्यों सरा असगर क्यों नहीं? वो ज्यादा यशमा के साथ नहीं, यशमा के साथ जो है वो काम करने में ज्यादा मजा आता है, वो थोड़ी चुलबुली सी है, सेट पे इधर उधर मजेदार रहती है, एंगेज रखती है लोगों को, काफी इंजॉय कराती है, तफरी कराती है, मजाक करते रहती है। सरा थोड़ी सीरियस है, वो खामोशी से बैठी रहती है, मतलब वही मैंने कहा ना, फ्री कम होती है वो, फ्री कम होती है। ठीक है, देसी खाना या फिर अंग्रेजी खाना? देसी। देसी खाना, ओके। ये बताए अवार्ड्स या नो अवार्ड्स? नो अवार्ड्स। क्यों क्यों? अवार्ड्स अच्छे नहीं होते भैया, अवार्ड सही मिलते किसको है जो चाहिए? अरे वो यार जो आता 11 लोग हैं उनको मिल तो रहे हैं बार बार, जो आता यही बात कहते हैं। मैं कह रहा हूँ 11 लोग हैं उनको मिल तो रहे हैं बार बार। मैं नेक्स्ट टाइम अपनी अच्छी पीआर बनाऊंगा, उसके बाद बोलूंगा अवार्ड्स। अच्छा अवार्ड्स पे अच्छा, आप कह रहे हैं पीआर का सीन है अवार्ड्स के लिए? ऑफ कोर्स। ठीक है, मतलब किसी एक को सही अवार्ड नहीं मिलता हमारे यहाँ वाकई? अगर जो अवार्ड्स दे रहे होते हैं हाँ उनसे मेरा एक सवाल है। लड़के को पहले ही हंसी आ गई जोक से पहले। उनसे एक सवाल है कि जो लोग अवार्ड्स दे रहे होते हैं, जिन एक्टर्स को देते हैं या जिन न्यू कमर्स एक्टर्स को देते हैं, जो भी है कैटेगरी, जिस कैटेगरी में देते हैं, तो सिर्फ मुझे ये बता दें कि उनका कौन सा काम या उनके कौन से डायलॉग्स या कौन से ड्रामा या किस चीज को देख के दिया है। ठीक है भाई, अगर आप जज हैं जूरी और आपको मेरा कोई काम पसंद है, जैसे फैजान को अच्छा लगा मेरा काम, फैजान ने बताया तुम्हारा ये कैरेक्टर था, तुम्हें इससे देखा, मेरे ज्यूरी से एक सवाल है कि वो बता सकते हैं कि वो किस बेस पे उनके अवार्ड दे रहे हैं? अच्छा ठीक है, यानी आपको कुछ पता हो तो आप अवार्ड दो ना, अगर आप प्यार पे दे रहे हो तो फिर किसी को। अच्छा, और ये जो अवार्ड्स पे डांस परफॉर्मेंस होती है आप यार माफ कर, नहीं पूछ रहा हूँ, दिस वाज दैट है ना, माफ कर दे, ये बताइए कि जो डांस परफॉर्मेंस होती है अवार्ड्स में, उससे आप अग्री करते हैं कि जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? नहीं। अच्छा मैं यार आदि देख, इशू ये है कि ये सब कुछ ना पूरी दुनिया देखती है। ठीक है, देख रही है और फिर वो डिसाइड करती है, हम तो यहाँ कुछ ना कुछ करके करवा लेते हैं सब कुछ। ठीक है, पूरी दुनिया देखती है, फिर पूरी दुनिया ये डिसाइड करती है कि पाकिस्तान के पास यही टैलेंट है। हाँ। जैसे और मुझे ये बात दूसरे मुल्कों से प्रॉपर कॉल आई है, मेरी बात होती है जिन लोगों से। हाँ। उन लोगों ने मुझे बोला है कि तुम्हारे पास सिर्फ क्या यही 10 नाम है जो अवार्ड्स में आते हैं, वही होस्ट करते हैं, वही अवार्ड देते हैं, वही अवार्ड लेते हैं, वही परफॉर्म करते हैं, घर चले जाते हैं। आपको उनको जवाब देना था कि देखिए हमारे पास शहरयार मुनव्वर एज अ डांसर है और वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। मैंने उनको समझाई ये बात, अरे अवार्ड्स में उनके पास समझ में आई है, ही शुड गेट इट। और फैजान नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आप ये बताइए कि अब हमारे लोग कहते हैं कि पीआर बहुत जरूरी है, पीआर जरूरी है या नहीं है? है है है। अच्छा है, हाँ है। आप आपकी है पीआर? मेरी भी पीआर नहीं बनाने की तो कोशिश, जब जरूरी है तो फिर आपकी क्यों नहीं है? तभी तो कोशिश कर रहा हूँ। आपको वाला फोन नहीं आता कि जी आप मुझे को साइन अप करने में आपको काम दूंगा? नहीं आपको अभी तक नहीं आया कॉल? आता है एक यार, मैं तो अभी तक उसी पर अटका हूँ कि अवार्ड्स हमारे सही नहीं होते यार। तो ये तो ये क्या इसमें हमारे हमारे यहाँ और क्या सही होता है? ये भी ठीक है। अच्छा जी, साइकिल या फिर बाइक? बाइक। बाइक। बस या फिर रिक्शा? बस। उमर शरीफ साहब या फिर आदि के दिमाग में खतरनाक नहीं नहीं ऐसी पूछ रहा नहीं नहीं ऐसी पूछ रहा था कि बस में खड़े होके जाना या बैठ के जाना? उमर शरीफ साहब या फिर मुइन अख्तर साहब? उमर शरीफ। उमर शरीफ। उमर शरीफ। ठीक है, ये बताइए कि अली अब्बास या फिर अली अंसारी? अली अब्बास। अली अब्बास। ये बताइए चावल चम्मच से खाना या हाथ से खाते हैं? हाथ हाथ हाथ। ये करते हैं आप? हाथ से बिल्कुल। ये कैसे किया तुमने? गुड यार। अच्छा रिकॉर्डेड शोज या लाइव शोज? दोनों। नहीं कोई एक। ज्यादा मजा किसमें आता है? लाइव। लाइव में मजा आता है। लाइव में। ठीक है जी, ये बताइए कि मॉर्निंग शो या इवनिंग शो? इवनिंग। इवनिंग शो। मॉर्निंग शो में आपका फेवरेट होस्ट कौन है, शाइस्ता लोधी या निदा यासिर? कैसा तुमने जैसे पूछा तुमने जवाब दे दिया? नहीं नहीं आप बताएं। आपको कौन पसंद है मॉर्निंग? शाइस्ता लोधी या निदा यासिर? दोनों। दोनों नहीं, एक एक दो का ऑप्शन नहीं। निदा यासिर। निदा यासिर क्योंकि उनका फॉर्मूला ठीक है। अच्छा ये बताएंगे आइसक्रीम या फिर आइस टी? आइसक्रीम। आइसक्रीम। आइसक्रीम कोन या चम्मच वाली? कोन। कोन में चाट के खाते चबा के खाते? चबा के। अच्छा फेवरेट वर्कआउट कौन सा आपका? मेरा फेवरेट वर्कआउट है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स। हाँ सिर्फ इंस्टाग्राम पे अच्छा लगता है मुझे। वो अंग्रेज लड़कियां कर लेती है ना, तकरीबन डेढ़ कर लेता है ये माशाल्लाह से। हां आदि डेढ़ तो हो जाती है ना? नहीं नहीं मैं नहीं, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं दो रेस भी नहीं निकाल पाता था। ठीक है,
और आज मेरे सबसे बेस्ट मेरे स्क्वाट्स हैं। स्क्वाट्स अरे वाह। अच्छा ये बताएं कि ये वाला सिलसिला कहां से शुरू हुआ, किसने कहा बॉडी बिल्डिंग का भाई यार करनी है मुझे बॉडी बिल्डिंग, और बाकी भाइयों की है पहले ही बताएं। नहीं नहीं बाकी सारे हेल्दी हैं। हां हादी हैं सारे, सारे माशाल्लाह हेल्दी हैं। अरे वाह। तो फिर ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जहां ये बात थी कि आप गोरे हो क्या, वहां पर ये भी थी कि क्या तुम बहुत बच्चे दिखते हो, बहुत छोटे दिखते हो, बहुत छोटे दिखते हो। अब स्टडी की चीज़ों को देखा, इंडियंस को देखा, दूसरे मुल्क के लोगों को देखा, हॉलीवुड के, तो मैंने कहा सब ज़्यादातर लोगों की फिजिक अच्छी है जिसकी वजह से उनका फेस जो है वो थोड़ा सा भरा वाला हार्ड आता है, थोड़ा सा शार्प होता है, मेच्योर लगते हैं फेस से। तो मैंने कहा वर्कआउट स्टार्ट किया जाए। तो उमर शहजाद उस वक्त वर्कआउट काफ़ी कर रहा होता था, चीज़ें वीज़ें कर रहा होता था, लेकिन उसकी भी फिजिक इतनी अच्छी नहीं थी, तो हम दोनों ने साथ स्टार्ट किया था। अच्छा। और आज भी वो मेरा पार्टनर है, जिम पार्टनर, हम दोनों साथ ही। उमर शहजाद तो माशाल्लाह उनको तो सिलाइयां फट रही होती हैं कमीज की, इतनी बड़ी आपने नहीं नहीं आपकी भी फट रही हैं। नहीं नहीं वो माशाल्लाह बहुत अच्छी फिजिक है। नहीं वो जरा मैं आते शायद टॉल जाते हैं इस तरह से लगते हैं। उमर कहते हैं, लोग कहते हैं कि उमर बहुत ह्यूज है, लेकिन बिलीव मी उमर ह्यूज है ही नहीं, उमर ने अपना बिल्कुल खत्म कर लिया है। खूबसूरत ह्यूज है वो, बिल्कुल स्लिम है, बिल्कुल स्ट्रेट स्लिम, क्योंकि उसकी उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो ब्रॉड लगता है, लेकिन बहुत प्यारे इंसान है वो। अक्सर बॉडी बिल्डर जो लोग होते हैं ना वो जरा ऐसे ही हो जाते हैं। अच्छा बहुत प्यारे। ठीक है ये बताएं बिरयानी या पुलाव? पुलाव। ननियाल या फिर ददियाल? ये सवाल इतना मुश्किल है। बताओ बताओ। ददियाल। ददियाल क्यों? ननियाल से क्या दुश्मनी आपकी? ननियाल से दुश्मनी नहीं है, अगर बताओ ईदी कब मिलती है? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में ननियाल मेरा यहाँ पर है नहीं। कहाँ पे है? सब इंडिया में। सब इंडिया में? हाँ। अच्छा। फ्रॉम बैकग्राउंड यू आर बॉलीवुड। ठीक है तो मुझे ये बताएं, चांद रात पे बेगम को मेहंदी लगवाने के लिए बाजार में लेके जाते हैं या बोलते हैं यार ये घर पे जो आती है उससे लगवा लो? नहीं नहीं मैं घर पे बुला लेता हूँ, घर पे लगवा लेता हूँ, घर पे करवा। या भाभी आपको बाजार लेके नहीं जाती चांद रात पे? नहीं वो क्योंकि शी नोज योर आईज। चाहती है कि मैं हर दफा बाजार जाऊँ, मैं खुद नहीं जाता बाजार। ठीक है ये बताएं पाकिस्तान में रहना पसंद है या बाहर रहना पसंद है? पाकिस्तान में कहाँ रहना? अगर आपको मौका दिया जाए कि पाकिस्तान में कहीं भी रहने, अगर मैं पाकिस्तान में रहूं, अगर मैं अपना जाती घर बनाऊं तो काकुल एकेडमी के बिल्कुल सामने एक पहाड़ है उसके ऊपर। अरे वाह यार ये काकुल एकेडमी का जगह भी ताड़ गया। एबटाबाद। एबटाबाद। हाँ एबटाबाद में। ठीक है लेट या फिर पंक्चुअल? लेट। लेट सही है। ठीक है एक्शन फिल्म या फिर हॉरर फिल्म? एक्शन। देर से उठना या सुबह जल्दी उठना? काम होता है जल्दी उठ जाता हूँ, वरना हमेशा देर से। कितना देर है आपका? देर क्या? हाँ, मैक्सिमम 3-4 बजे। सुबह की बात हुई है भाई, उठाई नहीं करो सो कंटिन्यू नेक्स्ट डे। अच्छा मैनुअल आप सोते रहो तो सुबह जल्दी उठ जाओगे। मैनुअल गाड़ी चलाना ऑटोमेटिक? ऑटो। ऑटोमेटिक। अच्छा चाय या फिर कॉफी? कॉफी। कॉफी दूध वाली काली वाली? काली वाली। काली। वोट या फिर नो वोट? नो वोट। कोई वोट नहीं? वोट दिया था लास्ट टाइम? वोट दिया था? हमने वोट नहीं देता। वजह? क्योंकि मुझे अभी तक कोई समझ भी नहीं आया। सही बात। मैं वोट दूं? मैं भी यही कहता हूं। अच्छा। समझ में आएगा उसने दे दूं? बिल्कुल सही बात। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनसे क्या उखड़ गया? तो जिन्होंने वोट दिया आपको लगता है सही दिया है? उन्होंने दिया जिन्होंने वोट दिया है। यार देखो इमरान खान खुद तो सही है ना। हाँ खुद सही है। टीम सही होना वो एक अलग मैटर है। इमरान खान सही है आप कह रहे हैं। वेरी गुड। सोशल मीडिया या नो सोशल मीडिया? नो सोशल मीडिया। नहीं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है तो कहते हैं आजकल के वो जो फॉलोअर्स देख के कास्टिंग होती है उसका कोई सीन नहीं है। उसी वजह से काफी ड्रामे निकल भी गए हैं, काफी चीजें निकल भी गई हैं, लेकिन ये वाला मशवरा नहीं दिया आपको? मशवरा तो हमारे यहाँ कॉमिक खेल है। बहुत फेक नहीं लगता कि आप अब ये तो जो कास्ट होते हैं चाय पी रहे हो सेल्फी या शो में सेल्फी गाड़ी में बैठे हो सेल्फी यानी आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। हाँ। यानी आपने शादी कर ली सेल्फी है। हाँ। शादी की रात आ गई सेल्फी है। रात हर चीज की सेल्फी होता है भाई ये तो नॉर्मली हो गया है। तो किसी ने नहीं बोला यार फॉलोअर्स बढ़वा लो जरा कुछ कर लो? बहुत लोगों ने बोला है, बहुत सारी चीजें के एंडोर्समेंट्स आना शुरू हो जाएंगे चीजें देंगे, लेकिन यार मुझे फिर वही बात लगती है कि मजा ही नहीं उसमें। तो आप वो नहीं करते? मुझे एक एप्लीकेशन है जिसमें कैमरा ऑन करके सब बैठे होते हैं। हाय मुझे नहीं आ सकती। नहीं किया? नहीं वाला काम नहीं। वेरी गुड। अच्छा सोशल मीडिया पे कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं? हाँ। तो उसमें लोग ट्रोलिंग शोलिंग भी करते हैं, कभी हुई है ट्रोलिंग? होती है कभी कभी, लेकिन ज्यादातर अच्छे पॉजिटिव। आपकी किस बात पर ट्रोलिंग होती है? शुरू में होती थी कि मैं ज्यादातर शॉर्ट ऑफ तस्वीरें डालता था, तो लड़के अक्सर लोग बोलते थे कि क्या कर रहे हो ये शर्ट के बगैर डालते थे, शर्ट के बगैर और फाशी है फलाना ढमकाना, लेकिन अब वही लोग तारीफ करना शुरू हो गए कि नहीं यार क्या बॉडी है क्या जबरदस्त क्या चीज़ मतलब है। ये शर्ट और कभी किसी ट्रोल को जवाब दिया आपने? नहीं नहीं एमी देखिए शर्ट के बगैर तस्वीर लगाना में कोई मसला नहीं है। आपकी नियत क्या है?
आप ऐसे मुंह बना के लगाए तो गंदी बात है, ये तो ना करें। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी दिखा रहे हैं, इस बार में मेहनत की है, तो आप जरा घर बनाते हैं तो घर दिखाते हैं ना। अच्छा, तुम शर्ट के साथ भी वाला मुंह बना रहे हो तो गंदे ही लग रहे हो, ये एक अजीब सी बात है। अच्छा जी, ये बताएं कि खाना पकाना या खाना खाना? खाना खाना। वैसे पका लेते हैं कुछ? पका लेते हैं। मेरे घर में सारे शेफ हैं। अच्छा, मेरे सारे भाई खाना बनाते हैं, मेरी बहन खाना बनाती है। सिर्फ एक नाकार है जो हमारे जो है, नहीं पकाते। सिर्फ खाना खाता हूँ, नहीं पकाने कुछ भी नहीं। चाय, चाय, अंडा, चाय पीता ही नहीं हूँ, चाय पीता ही नहीं, चाय पीता ही नहीं हूँ, अंडा कुछ भी नहीं। भाई देखे, भाभी आ गए। भाभी ने कहा मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, टांगे कल बाजार गई थी, अकड़ी नहीं है, मैं तो नहीं हिल रही, कुछ पकाओ। क्या करेंगे भाभी को खिलाने के लिए? अच्छा, फिर भी नहीं बनाएंगे? भाभी आई एम सॉरी, अगली बार हमने पूरी कोशिश की कुछ पका लें, हम पका के देंगे, लेकिन नहीं हो पाया। अच्छा बताए, फ्रेंड्स या फिर कोलीग्स? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स और कोलीग्स में कोई फ्रेंड्स बन जाते हैं या कोलीग्स कोलीग्स ही रहते हैं? हाँ, कोलीग्स में फ्रेंड्स बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। जैसे कि जैसे उमर था, वो मेरे साथ ड्रामा किया था तो दोस्त अच्छा बन गया। ठीक है। और जैसे यशमा थी, उसका ड्रामा किया तो वो अच्छी दोस्त बन गई। तो इस तरह यशमा आपकी अच्छी दोस्त है? हाँ, अच्छी दोस्त। कितनी कोई अच्छी दोस्त है? इसका मेजरमेंट नहीं है, इसका कोई अंदाजा नहीं है, गैरेंस का मेजरमेंट नहीं। अच्छा अच्छा, ये मुझे बताएं कि फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है आपका लोगों पे? यार अक्सर लोग बोलते हैं ना, यार मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या था, तो लोग बताते हैं ऐसा था, फिर वो चेंज हो जाता है जब दोस्ती हो जाती है। गुड क्वेश्चन, थैंक्स यार। मेरा इंप्रेशन लोगों पे, हाँ, कभी बताया किसी दोस्त ने? सब बोलते हैं कि बोलता नहीं है, बोलता नहीं है। हाँ, बोलता नहीं, खामोश रहता है, लेकिन मैं बहुत बोलता हूँ, क्योंकि जब भी मैं कहीं नई जगह पे जाता हूँ तो पहले मैं खामोश बैठता हूँ। अच्छा। खामोश बैठ के सिर्फ देखता हूँ, अगर मेरी उनसे अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, यही होता है फिर तो ये कैसे पता चलता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी? कभी ऐसा हुआ किसी को जज किया हो कि यार इससे भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और बाद में चलो नहीं हो ही नहीं सकती इससे? तो आपको साथ आपको दिन गुजारो, आपको पता चल चुका होता है कि आप किसी दोस्ती बनेगी कि नहीं बनेगी। अच्छा, एक तो होता है ना कि आप बैठोगे यहाँ कर और सिर्फ वहाँ बुराइयां ही हो रही होती हैं। हाँ। उसकी बुराई, इसकी बुराई, ये नहीं जमता यार। और दिन गुजारने में यहाँ से पता लग जाता है। और इनकेस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दिन गुजारने में पता नहीं लग रहा, आप शाम में गुजार लें साथ, फिर उनके रात गुजार लें, फिर रात भी एक और दिन गुजार लें। हाँ, जितना गुजार। अच्छा, वो कंटिन्यू करे अगले दिन भी? मैं परेशान हूँ थोड़ा। अच्छा, ये तो इन्होंने बताया कि ये बोलते नहीं। आपका पहला इंप्रेशन क्या पड़ता है लोगों पे? लोगों ने बताया होगा यार, मेरे लोग, मेरे जो दोस्त वगैरह या अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि तुम्हारा इंप्रेशन लगता है कि तुम बहुत रूड हो। रूड हो? हाँ, ये किसी से मुंह बात नहीं करता है इस तरह से, लेकिन बाद में चेंज हो जाता है। काशी भाई, आपका पहला इंप्रेशन क्या पड़ता है लोगों के ऊपर? क्या कहते हैं लोग? बोलते बड़ा ही सीधा। क्या है? सीधा साधा है। सीधा साधा है, सीधा। और आप हैं भी काशी भाई? आप हैं? आपकी पर्सनैलिटी हादी, तुम्हें देख के क्या इंस्पिरेशन पड़ता है यार? मेरा तो बहुत नेगेटिव, बहुत नेगेटिव। फॉर सम रीजन हमेशा से मेरा पहला इंप्रेशन सबके ऊपर ये है कि ये बहुत ही घटिया और नीच आदमी है। और कैसा लोग पहचान लेते हैं ना? और माशाल्लाह देखें, इट्स द सेम। अच्छा जी, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। अब आखिरी दो सवाल, एक सवाल आपसे आदि करेंगे और एक मैं करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जी आदि भाई, आप आज जो मैं आपके लिए सवाल बना के लाया हूँ, उस सवाल का ताल्लुक आपकी फैमिली से भी है, उस सवाल का ताल्लुक आपकी जर्नी से भी है, उस सवाल का ताल्लुक इस मीडिया इंडस्ट्री और पॉलिटिशियन से भी है। वाह, तो मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, दो ऑप्शन में से आपने एक सेलेक्ट करना है, लेकिन सोच समझ के सेलेक्ट करेगा, क्योंकि टीवी पे एक बार चलेगा लेकिन सोशल मीडिया पे हमेशा रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाले जो हमारे दो सवाल होते हैं, थोड़े से गलती से वायरल भी हो जाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि एज अ हस्बैंड, एज एन एक्टर, एज अ पाकिस्तानी, एज अ मेंबर ऑफ दिस इंडस्ट्री, आपको क्या लगता है इन दोनों में से ज्यादा बेहतर चीज कौन सी है? और ये सोच समझ के आपने जवाब देना है, हर तरीके से सोच के, कि ज्यादा बेहतर कौन सी है, नाड़े वाली शलवार या लास्टिक वाली शलवार? लास्टिक वाली शलवार। लास्टिक वाली शलवार। और क्यों, क्या वजह है इसकी, लास्टिक वाली शलवार क्यों? आज आप में आज आप दूसरे हो गए गैस जिन्होंने लास्टिक वाली, वरना सब नाड़ा बोल, सब नाड़े पे भरोसा रखते हैं। नाड़े पे भरोसा रखते हैं, लेकिन जवाब की गहराई में मत जाए। आपसे आखिरी सवाल इस सेगमेंट का, आदि या फैजान? और इसमें जस्टिफिकेशन नहीं है। हाँ, ये सिर्फ आपने जवाब देना, स्कोर में ऐड हो जाएगा। आदि। आदि। बस बस उधर से बज रहा था। अच्छा सर। और वक्त है जी ब्रेक पे जाने का। ब्रेक पे जाने से पहले काश्यप भाई,
बैक जी, आप देख रहे हो मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदि अदील अमजद, हमारे साथ मौजूद है राइट। अब हम आपके साथ खेलने वाले हैं गेस द मिसिंग वर्ड। मजेदार। आपको एक सेंटेंस सुनाऊंगा, उसमें कुछ वर्ड जो है वो मिसिंग होंगे, तो फिल इन द ब्लैंक कर दीजिएगा। ठीक है जी। और इमेजिन नहीं करने, हाँ बोलेंगे इमेजिन, जल्दी जल्दी कर देना ये, ठीक है। आदि को देखकर डैश याद आता है, और ये थोड़ा सा डैश है भी यार, ये थोड़ा इमेजिन है, इमेजिन नहीं, नहीं मुश्किल नहीं, बड़ा आसान है। आदि को देखकर डैश याद आता है और ये थोड़ा सा है भी। कॉमेडियन। आदि को देखकर कॉमेडियन याद आता है और ये थोड़ा सा कॉमेडी है भी। थोड़ा सा कॉमेडी है भी, हाँ कॉमेडी भी है। सही है आदि भाई। क्या? राइत को देख के डैश याद आता है और ये थोड़ा सा है भी। राइत को देख के सोचना नहीं है, राइत को देख के हीरो याद आता है, वाह, और ये हीरो है भी। अरे वाह जबरदस्त, थैंक यू। डैश के डैश हमेशा डैश से पहले बड़े बड़े होते हैं। डैश के डैश हमेशा डैश से पहले बड़े बड़े होते हैं। डैश से पहले बड़े बड़े होते हैं। बड़े बड़े को ज्यादा आपने गौर नहीं किया। सोचना नहीं है, तुम सोच रहे हो, सोचो नहीं क्योंकि तुम जवाब नहीं दे रहे हो, लेकिन आंखों में जवाब है। वापिस पूछो। वापिस पूछो भाई। एक दो बार यार, बड़ा मुश्किल। डैश के डैश हमेशा डैश से पहले बड़े बड़े होते हैं। बताएं भाई, आप बताएंगे फिर आदि भाई बताएंगे। आदि भाई आप बता दे, पास। हम मुझे बता दे। डैश के डैश हमेशा डैश से पहले बड़े बड़े होते हैं। गरीब के सपने। बस खत्म। फिनिश दिया। पैकअप कर दो। अच्छा, गरीब के सपने। मैं बला हूं। हाँ। गरीब के ख्वाब कर लो यार। क्यों? सपने थोड़ा सा। अच्छा चलो, सपने में ड्रामेटिक आ जाता है। अच्छा ओके, ड्रामेटिक। चलो गरीब के सपने। हाँ, हमेशा डैश से पहले बड़े बड़े होते हैं। उसके वक्त से पहले बड़े बड़े। ओफ, किताब कब आ रही है आपकी? किताब आ चुकी है, इट्स फॉर सेल, 399 प्राइस। अब आप बताएं क्या बड़े बड़े, मतलब डैश के डैश हमेशा डैश से पहले बड़े बड़े होते हैं। बता तो दियो उसने। आपने क्या बड़े बड़े देखे, बताएं। आपने भी बताना है क्योंकि आप भी कैश ले रहे हैं। आप कैश ले रहे हैं, हम कैश नहीं ले रहे, बताएं। ख्वाब कर लो, गरीब का ख्वाब कर लो। चलो, गरीब के ख्वाब हमेशा डैश से पहले बड़े बड़े, वक्त से पहले बड़े बड़े, वक्त से पहले बड़े बड़े। सही है, चलो सेम जवाब दे दिया है। बात यार, इसका जो आसान तरीका ना, वो ये था कि सियासतदान के वादे हमेशा इलेक्शन से पहले बड़े बड़े। ओहो हो, सच अ पॉलिटिकल सेट आया यार। ये बताइए, मैंने उसके डैश देखे तो बड़ा मुझे मजा आया। मैंने उसके काम देखे, बड़ा मजा आया। आपने उसके काम देखे, बड़ा मजा आया। काम पे कुछ भी, मैंने उसके ग्रेड्स देखे, बड़ा मजा आया। मैंने कहा वाह, लड़का अच्छा पढ़ रहा है भाई। मैंने उसके अल्लाह खैर बच्चे देखे, माशाल्लाह, छोटे छोटे अदनान और टीपू। बच्चे अदनान और टीपू साथ ही। देखिए, पहले हम सवाल पूछते फिर हम अपनी नौकरी बचाते हैं। ये गेम ऐसा, हम यूं खेल रहे हैं पैमला के साथ। लिखने वाले तो रुक जाते हैं। अरे नहीं तो सही है, टीवी वन इस सेगमेंट में ना हमारा रेजिग्नेशन आपने देख बैठा हुआ। टीवी वन के लोग आते बाहर खड़े होकर देख रहे होते क्या बोल रही है। अच्छा जी, मैं अक्सर डैश करने में देर कर देता हूं, लेकिन डैश फौरन ही कर लेता हूं। मैं अक्सर शूट पे पहुंचने के लिए देर करता हूं, अक्सर देर करता हूं, लेकिन सीन फौरन कर लेता हूं। सीन फौरन कर लेता हूं। अरे वाह जबरदस्त। आदि भाई, क्या? मैं डैश करने में हमेशा देर कर देता हूं, लेकिन डैश फौरन कर लेता हूं, वो तो मुझे पता है। मैं डैश करने में देर कर देता हूं, मैं लेकिन डैश फौरन कर लेता हूं। मैं प्यार का इजहार करने में देर कर देता हूं, वाह, लेकिन प्यार फौरन कर लेता हूं। कैसा? अल्लाह, आई हैव सेव्ड माय जॉब वेरी कंप्लीटली, वेरी गुड। ये बताइए जी, वेस्ट इंडीज में लोगों के बहुत बड़े बड़े डैश होते हैं। कद वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। आप बताइए, घर वेरी नाइस। काशी भाई आप बताइए, काशी भाई आप तो बता ही सकते हैं, आपका तो मामू ही कजन, आपके तो कजन जी हैं। वाकई सही कह रहे हैं, कद लंबे होते हैं। सही है, अच्छा भाई, हम सब में पता सही कह रहे हैं। इवन द बैंड सेव्ड हिज जॉब। दोस्तों में सबसे डैश मैं हूं, लेकिन डैश बिल्कुल भी नहीं हूं। दोस्तों में सबसे ज्यादा सखी मैं हूं, लेकिन कंजूस बिल्कुल भी नहीं हूं। सखी मैं हूं, हां, यानी कंजूस नहीं हूं। जो खाने पीने की बारी आती तो मैं आगे। आदि भाई, दोस्तों में सबसे डैश मैं हूं, दोस्तों में सबसे, वो तो हमें पता है, दोस्तों में सबसे सुस्त मैं हूं, लेकिन मैं सुस्त नहीं।
ये तो एक सुस्त कैसे हो सकता है? दोस्तों में सबसे ज्यादा सुस्त मैं हूँ, लेकिन लोग समझ दोस्त समझते हैं सुस्ती है, डैश बिल्कुल भी नहीं, लेकिन सुस्त बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुबह 5 बजे जागने वाला आदमी कैसे सुस्त हो सकता है? ये भी ठीक है, सवा 5 सो जाए तो ये भी तो बताओ। ये नहीं बता रहे। अच्छा मैंने उसका डैश देखा, वाह भाई, तो मैंने अपने दोस्त को कहा उसका डैश तो चेक कर। मैंने उसकी कार देखी, मैंने दोस्तों का उसकी गाड़ी तो चेक कर। ये नहीं, आपने का डैश देखा। हाँ तो गाड़ी तो देखी होगा। कार देखा, ट्रक कार देखा, ट्रक देखा, सही है, कवर बाइक, बाइक देखा बस। चलो बाइक देखा और हाँ। दोस्त को कहा बाइक चेक कर, बाइक चेक कर। आप बताओ। मैंने उनका जानवर देखा, बकरा ईद। मैंने कहा यार जानवर चेक कर, ऐसा होता है ना हमारे यहाँ। मेरी अक्सर टेंशन में डैश निकल जाती, हंसी हंसी। आप भी क्या? आप बताइए। सांस सांस निकल। जब मैं छोटा था भाई, मैं भी गिर लूँ। जब मैं छोटा था हाँ और सो के उठता था, अक्सर मेरी डैश निकली होती, नींद निकली हुई होती थी, नींद निकली हुई थी। हाँ, नींद निकलती तभी तो उठ जाता बंदा। नहीं नहीं ये नहीं बोलना। नहीं हो रहा, कुछ और बोलना है। हाँ राल राल प्राउड ऑफ यू शिव। बचपन में कैसे शिव निकली होती थी? में निकलती आदमी से। अच्छा शिव, मेरी अक्सर वैन निकली होती थी। ओ मैं लेट उठता था छोटा। गुड यार, माशाल्लाह तुम दोनों बहुत ही डैश हो। हालांकि अभी भी पता है इंटेलिजेंट। ये आपने अपना कैश बचाया। नहीं, मैंने आपकी जॉब बचाई है। काशिप भाई को देख के, काशिप भाई को देख के डैश याद आ जाते। वाह वाह वाह, पुराने गाने याद आ जाते हैं, पुराने डैश के डैश। वाह यार, आप बताओ। काशिप भाई को देख के क्लासिकल सिंगर्स के गाने याद आ जाते हैं। वाह वाह, और मैं इस बात का ऑन एयर काशिप भाई को थैंक यू करना चाहता हूँ कि काशिप भाई पुराने सारे गाने हमें गा के सुनाते हैं और बहुत सालों से टेलीविजन पे आके म्यूजिक को उसका सपोर्ट बने हुए हैं, तो बहुत सारे गाने काशिप भाई के। फैसल भाई ये वाला पार्ट काट दीजिएगा। अच्छा मुझे प्यार से डैश भी कहते हैं। या प्यार से तो नहीं पता है, लेकिन मेरे नाम लोग कोई सही लेता नहीं, कोई राहित कहता है, कोई रोहित कहता है, कोई राहिल कहता है। रोहित राहिल भी कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, इतना सही नाम है राहित, सबको पता होना चाहिए। राहित ये बहुत कम लोग सही बोलते हैं, आपने बोल दिया ना। नॉर्मली राहित, रोहित, राहित, ऐसे। इसके अलावा कोई निकनेम घर में कोई क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, सब राहित राहित ही बोलते हैं। आपके खानदान में बेबी आंटी है? बेबी बेबी आंटी बेबी आंटी बेबी आंटी नहीं, हर खानदान में होती है बेबी आंटी? नहीं 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 है। अच्छा, आपके खानदान में? नहीं भाई, मेरी आंटी। अच्छा, अम्मी ने कहा जाओ बेटा जाके बड़े बड़े डैश ले आओ, अंडे अंडे बड़े बड़े अंडे। हाँ। बड़े 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 अंडे के छतरपुर के खाते हैं हम। ये कहते हैं कि छोटे अंडे क्यों लेके आए हो, बड़े अंडे। अच्छा ये होता है? जब आप सौदा लेने जाते हो आपको पता होगा ये होता है। अच्छा ये भी होता है, मुझे नहीं पता होता क्या। बड़े अंडे ले आओ, बासी WD क्यों लेके आए? हाँ ये वाले मसाले। आप बताओ। बड़े बड़े थैले, बड़े बड़े थैले कचरा फेंकना होता है ना। अच्छा जी, मेरे दोस्त कहते हैं मैं बहुत डैश हूँ। मेरे दोस्त कहते हैं मैं बहुत डैश हूँ। हाँ बोलते बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, यानी ब्लंट ब्लंट बिल्कुल सब। अच्छा, बातें मुंह पे। अच्छी बात है, गुड। हाँ। तो किसी के डैश में उंगली नहीं करनी चाहिए, किसी के अफेयर में उंगली नहीं करनी चाहिए। सही कहा आपने फैजान। किसी के शॉर्पनर में उंगली नहीं करनी चाहिए, लग सकता है। ठीक है काशिप भाई, किसी के काम में, किसी के काम में उंगली नहीं करनी चाहिए। तो क्यों करते हैं आप? अभी ब्रेक से पहले किया आपने। उड़ता तीर डैश में लेना, उड़ता तीर डैश में लेना, कमान में लेना, कमान में लेना, उड़ता तीर कमान हाथ में लेना भाई, हाथ में लेना काशिप भाई, हाथ में, हाथ में लेना। ठीक है, मैं डैश से बिल्कुल भी नहीं डरता, लेकिन डैश से मेरी जान जाती है। मैं झूलों से बिल्कुल नहीं डरता, झूलों से बिल्कुल भी नहीं डरता, जान जाती है। लेकिन झूलों से ही जान जाती है। अच्छा, झूलों से लगता है? वो सर्कल वाले झूलों में कभी नहीं बैठ सकता। अच्छा, चक्कर आता चक्कर आता इस टाइप की। हां ठीक है, आदि भाई डैश से मैं बिल्कुल भी नहीं डरता। मैं जीने से बिल्कुल नहीं डरता। उफ अल्लाह, वो दूसरी किताब। मैं जीने से बिल्कुल नहीं डरता। फिर जीने से मौत से मेरी जान यार, रास्ता निकालो। अच्छा वेरी गुड, ठीक है। डैश के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन डैश मुझसे कोई नहीं करवा सकता।
मैं एक्टिंग के लिए वैसे कुछ भी कर सकता हूं, एक्टिंग के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन डायरेक्ट मुझसे कोई नहीं करवा सकता। लेकिन ये बात सही है कि अगर मुझे बहुत ज्यादा जैसे डायरेक्टर्स होते हैं कि ये कप को यूं उठाना है और यहां रखना है, दो कदम यहां रखना है, रोबोटिक तरीके से, वो नहीं होता। ठीक है, जीरो नहीं कर सकता, बिल्कुल जीरो हो जाता हूं उस टाइम। अच्छा ठीक है, अक्सर लोग सड़क पे डैश खुजा रहे होते हैं, सर सर खुजा रहे होते ट्रैफिक की वजह से, ट्रैफिक, हाँ ये यार ये कब चले, हाँ फैजान दाढ़ी दाढ़ी, हाँ ये खुशकी होती है ना, हाँ काशे भाई सही कारण है, सर गर्मी से जी जज साहब। ठीक है, मेरा पसंदीदा एक्टर डैश है जबकि पसंदीदा एक्ट्रेस डैश है। मेरा पसंदीदा एक्ट्रेस जो है वो अगर देखा जाए, वैसे देखा जाए कहीं पे भी पूरे दुनिया के अंदर ना जो भी है, मैं ज्यादातर आमिर खान को देखता हूँ। आमिर खान है और पसंदीदा एक्ट्रेस, पसंदीदा एक्टर डैश हैं कौन है, सभी सही है यार, सभी सही है तो हमें पता है, सही है नॉर्मल चल रहे। पसंदीदा कौन है, पसंदीदा सोनिया काम ज्यादा अच्छा लगता है। किसका? सोनिया हुसैन का। सोनिया हुसैन, गुड। ठीक है ये बताइए, मेरे पास अगर डैश होता ना तो मुझे लगता कि बस सब कुछ कंप्लीट हो गया। वाह, मेरे पास अगर डैश होता तो मुझे लगता कि सब कुछ कंप्लीट होता। ऐसे तो है, क्या आप कहें यार, नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड, सभी कुछ तो है यार, फिर भी एक होता ना यार, ये चीज हो जाएगी ना कि मैं फिर वो रिटायरमेंट ले सकता हूँ, मैं रिटायरमेंट ले सकता हूँ, हाँ कि बस हो गया आप सब, आई एम डन। अगर सुपरस्टार होता, सुपरस्टार हो, मैं अगर सुपरस्टार होता, सही है बस उसके बाद ऑफ, सही है सब, आपने तो पहले कह दिया 45 पे छोड़ देंगे, ऑस्कर तो मिलने वाला नहीं है हम लोगों को, 45 पे क्यों नहीं मिल सकता है, अगर इंटरनेशनल वर्क करें तो करेंगे सर, करेंगे, हां यहां के इतने सारे लोग बाहर जाके काम करते हैं, वो एक अलग मैटर है, करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। आप बताएं अगर आपके पास डैश होता तो उसके आप कहेंगे यार कंप्लीट हो गया। मेरे पास अगर सुकून होता आप पे मैं रीइनैक्टमेंट बनाऊंगा, थैंक्स, अंधेरे वाली, वेरी गुड। ठीक है, डैश से मेरी नहीं बनती लेकिन फिर भी मैं उनके साथ डैश कर लेता हूँ। डैश से मेरी नहीं बनती फिर भी मैं उनके साथ नहीं कर लेता हूँ, मेल अक्सर लोगों से नहीं बनती, अक्सर लोगों से मेरी नहीं बनती लेकिन फिर भी मैं उनके साथ डैश कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ जलब हो जाता हूँ, दोस्ती कर लेता हूँ, काम कर लेता हूँ। ठीक है, वेरी गुड। आदि भाई, मेरी डैश से मेरी नहीं बनती, मेरी गैर लोगों से बिल्कुल भी नहीं बनती लेकिन लेकिन उनके साथ में फिर भी अगर वो आए तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ, लेकिन मुझे जिनको मैं जानता नहीं हूँ मुझे बिल्कुल इंटरेक्शन पसंद नहीं है, नहीं उन लोगों। ठीक है, एक दफा एक डैश मेरे डैश में घुस गया, फिर बड़ी मुश्किल से सब डैश हुआ। एक दफा एक मच्छर एक मक्खी मेरी गाड़ी में घुस गई, एक दफा एक मक्खी मेरी गाड़ी में घुस गई, फिर बड़ी मुश्किल से सब डैश हुआ, बड़ी मुश्किल से उसको बाहर निकाला। ठीक है, बाहर निकाला जी। आदि भाई क्या, क्योंकि मुझे बड़ी इरिटेशन होती है जब गाड़ी के अंदर मक्खी या मच्छर आया, ओ भाई जब तक बाहर नहीं आते, जलील मक्खी होती है जो 3 महीने रहती है गाड़ी में, दरवाजे दरवाजे छत दरवाजे वो मीटर के ऊपर खड़ी भी पता नहीं क्या करता है, आप गाड़ी चला रहे हो आप, नहीं ऐसा नहीं होता। एक दफा एक डैश मेरे डैश में घुस गया, क्या हुआ भाई, फिर बड़ी मुश्किल से सब डैश हुआ। एक बार एक मोटरसाइकिल वाला मेरी गाड़ी की डिग्गी में घुस गया, बड़ी मुश्किल से मसला हल हुआ। अरे वाह क्या बात है, जबरदस्त राइज, आपने बड़े अच्छे जवाब दिए, थैंक यू, वेल डन। अब हम आपके साथ ये करने वाले हैं कि हम आपको दुनिया के तमाम पैसे दे रहे हैं सिर्फ इस गेम के लिए, आपने कास्टिंग करनी है एक फिल्म की, आप फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, आपको कास्टिंग आपने करनी है, काउच पे आप बैठे हैं, दुनिया का तमाम पैसा है आपके पास, आप किसी को भी कास्ट कर सकते हैं, 5 कैरेक्टर्स हैं उसमें, आदि आपको बताएंगे कौन से 5 कैरेक्टर्स हैं, आप उनकी कास्टिंग करेंगे। जी आदि भाई इसमें, वाह क्या स्टार्ट किया, अलग ही डीजल है। हाँ इसमें, इसमें वाह एक है बच्ची, वाह एक है लड़की, वाह एक है औरत, वाह वाह 3 ही हो गए, वाह एक है इसमें इस वाह हीरो, वाह जिसका बचपना दिखाएंगे तो वो बच्चा है, वाह वाह और बड़े होंगे तो वो हीरो है, वाह 5 हो गए, वाह और एक इसमें विलन है, वाह जो बोलता नहीं है, वाह वाह पूरी फिल्म में वो बोलेगा कुछ, वाह लेकिन वो अपने एक्सप्रेशन से सब काम करे, वाह वाह आप कास्टिंग करें पूरी दुनिया में से कहीं से भी 6 कैरेक्टर्स पूरी दुनिया से क्या है, पाकिस्तान में भी हो ही जाएंगे। अरे आपका पैसा पैसा मेरा है, आप मेरे स्टोरी क्या है, स्टोरी क्या, मैं खुद ही स्टोरी सुनाऊंगा जिसको मर्जी, आप डांसर बुला लो 2-3 डांस देख लो, वाह बताइए जी। पहले बच्ची, पहले बच्ची, अगर पहले पहले बच्ची बच्ची में तो मुझे नाम भी नहीं आते यार, कोई भी कास्ट कर ले जरूरी नहीं है ना, कोई भी भाई आप
बड़ों से बच्चों वाला काम करें, कोई टेंशन नहीं है। और अच्छा बड़ा आपका कुछ पैसा भी कराए। हाँ हाँ आप सोनिया से बच्चों वाला कैरेक्टर भी करा, सोनिया से बच्चों वाला कैरेक्टर, वेरी गुड, उसको बच्चा बना दें, बच्चा बना दें, ठीक है, नाइस यार, बन भी जाएगी आराम से। उसके बाद लड़की, आप लड़की जो है अगर उसको फिर आप यशमा को रख सकते हैं, यशमा को रख रहे ठीक है, बड़ी में आप सबागम को रख सकते हैं, सबागम, अरे वाह, ये तीनों से आपने पूछ लिया आपस में काम करेंगी, सोनिया से करेंगी, पैसा है, पैसा यार, मेरा पैसा है बॉस, सबकी अलग अलग वैनिटी खड़ी हुई, वैनिटी सबकी अलग अलग, सोनिया हुसैन, यशमा गिल और सबागम, आगे बताइए हीरो, और हीरो में अगर अब अच्छा इन हीरो में किसको कास्ट करें, हीरो में आप सिंपल, सिंपल ये कौन है, सिंपल नहीं है, डिंपल, डिंपल, डिंपल कबाड़ी है का भाई, सिंपल कबाड़ी है जी, हीरो में आप शाहिद कपूर को ले लें, शाहिद कपूर को ले लिया, और छोटे भाई को, अच्छा कपूर को, छोटे भाई, दोनों भाई को पैकेज में लेगा लड़का, छोटा भाई बचपना करेगा, जो काफी अच्छा काम करें, शायद मेरे ख्याल से पहले डायरेक्टर भी रह चुके हैं, राजा शाहिद अली, राजा शाहिद, यार उसके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे एक्सप्रेशन है, वो अगर खामोशी में एक्सप्रेशन दे रहे तो वो स्क्रीन को वैल्यू करता है, बड़ी डिफरेंट कास्टिंग, इसका नाम क्या होगा फिल्म, इस कहानी का नाम क्या होगा, शाहिद कपूर, ईशान खत्तर, पैसा फेक तमाशा दे, और तमाशा दे, और ये शूट कहाँ होगी, शूट हम कहीं पे भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया में, कहीं पूरी दुनिया में शूट करें, पूरी दुनिया में शूट, पैसा डायरेक्ट कौन करेगा, ये डायरेक्ट कौन करेगा, हादी ये होता है पैसों को आग लगाना, एडवांस लेगी भाग जाओ, ये होता है आग लगाना, क्यों मतलब तुम्हें क्या पता कि मेरे अंदर एक ऐसा डायरेक्टर छुपा, तो बहुत लोग छुपे हुए, आधी टाइमिंग का गेम है ना यार, टाइम का गेम है, आधी टाइमिंग निकाल ले, कल को कोई पता नहीं मैं कुछ ऐसा करतब कर दूं, उफ, कि करतब ना बे यार, इसे इतने सालों से कराया क्यों नहीं था यार, करतब इसीलिए नहीं हो रहा पता लेकिन नहीं यार बड़ी अच्छी कास्टिंग की आपने, वेरी गुड, इसमें एक गाना काशी भाई से गवा लीजिएगा यार, काशी भाई बहुत अच्छा गाते हैं, नहीं नहीं सारे गाने काशी, लड़की की आवाज में भी काशी, अरे वाह वाह वाह, बर्बाद ही करती ना फिल्म पूरी, काशी भाई मुझे एक बात बताएं आप, वाह ये जो आप बैठे हुए हैं इधर, माशाल्लाह से अल्लाह ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है और हमें भी प्लेटफॉर्म दिया है, हम टीवी पे भी आ रहे हैं और बड़ी मेहनत करके यहाँ पहुँचे जी, तो गा क्यों नहीं रहे हो, मुंह देख रहे हो वहां से बैठ के हमारे में हलाल करो पैसे नहीं नहीं अभी मौका देंगे काशी भाई को गाने का, भरपूर भरपूर मौका देंगे, राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, टाइम निकाल कर आए, बड़ा मजा आया आपके साथ शो पे, उम्मीद करते हैं कि आपके बहुत सारे चाहने वाले शो देखेंगे, अगर आपके पास उनके लिए कोई मैसेज है तो प्लीज, हमेशा रिस्पेक्ट करें अपने माँ बाप की, और जितनी दुआएं अपने माँ बाप से ले सकते हैं वो कम है, क्योंकि उनकी दुआओं की बदौलत हम सब कुछ हैं, एब्सोल्युटली, जिसके माँ बाप नाराज उसको तो दुनिया खत्म खत्म, बिल्कुल ठीक है, आदि भाई मैं एक अजीब सा मैसेज दूंगा जो मेरे दिल में फंसी हुई है बात, फिर मत दो छोड़ो, मेरे कारी साहब थे हाँ, जो मुझे बचपन में पढ़ाते थे, वो मुझे कुछ अरसा पहले मिले, ये मुझे ना ऐसी कहीं से दो तीन दिन से ना बात काट रही है, वो मुझे थोड़े दिन पहले या थोड़ा अरसा पहले मिले थे और वो एक जगह पे वेटरी कर रहे थे, तो वो मैंने शीशा नीचे किया गाड़ी का, तो मैंने कहा यार ये तो वही है, उन्होंने मुझे पहचान लिया, अब जाहिर सी बात है मैं उससे छोटा था, मैं बड़ा हो गया, मैं गाड़ी में था, तो मैंने उनसे पूछा अभी क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा बेटा मैं जिन घरों में पढ़ाने जाता था या जाता हूँ वहाँ से मुझे मिलते हैं 3,000 रुपया एक बच्चे का, 4,000 रुपया एक बच्चे का, 5,000 रुपया एक बच्चे का, तो उससे मेरा घर के खर्चे भी नहीं पूरे हो रहे थे, तो मैं यहाँ वेटरी करना शुरू हो गया और साथ में बच्चों को कुरान पढ़ा, थोड़े ही दिनों बाद मैंने वहाँ देखा कि उनके भाई भी वहीं थे, तो मैंने उनसे पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उनको नहीं पता था कि मैंने उनके छोटे भाई को देख लिया, तो उन्होंने कहा कि वो नहीं होते पूरे, तो हम कुछ तो करना है, तो हम यहाँ वेटरी कर रहे हैं, टिप मिल जाती है, साथ में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो मुझे इस बात का दुख ये हुआ कि 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 रुपये छोटे छोटे बच्चों की स्कूलों की फीस है, बिल्कुल 10,000-10,000 रुपये का हम खाना खा लेते हैं, 8,000-8,000 रुपये 15,000-15,000 रुपये के लोन के सूट लेने को हम तैयार हैं, जिसके लिए हम लाइनें लगा के खड़े होते हैं, कारी साहब को हम 20,000-15,000 रुपये नहीं दे सकते, हम ड्राइवर को 22,000 तनख्वाह दे सकते जो आपको गाड़ी में सिर्फ यहाँ से वहाँ लेके जा सकता है, लेकिन एक कारी साहब जो आपके घर में आके आपके बच्चों को इस्लाम की तालीम देता है आप उसको 20-25-30,000 रुपये नहीं दे सकते, उस पर आज आप आज भी ही लड़ते हैं कि 9,000 रुपये आपका दिमाग खराब हो गया,
हम तो 6 देते थे, 6 में पढ़ाने तो पढ़ा दो। वो कारी साहब जो आज से 30 साल पहले भी साइकिल पे आता था, वो आज भी साइकिल पे आ रहा है क्योंकि वो बाइक नहीं ले सकता। बिल्कुल ऐसा है। ये बात मुझे ऐसी काट रही है ऑन एंड ऑफ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या करूं। और बहुत से इलाके हैं जहां पता क्या होता है कि बच्चों को दूसरी जगह भेजा जाता है क्योंकि वो एक गली में एक आंटी होती है जो मुफ्त में कुरान पढ़ा देती है। क्यों क्यों मुफ्त में पढ़वाना है? आप क्यों किसी कारी साहब को क्यों नहीं बोलते कि आए हमारे घर, हमारे बच्चे को पढ़ाएं और उनको पैसे दें ताकि उस पैसे से उनका घर चले। तो मैं इस बात से इतना ऑफ हो रहा हूँ आजकल और ये मुझे काटती है। और मैंने सोचा था कि मैं कहीं ये बात करूंगा शो के शुरू में, जो कि मुझे नहीं याद रहा। तो प्लीज़ ये वो आपको इस्लाम की तालीम दे रहे हैं हमारी दुनिया में से। हमारे जो मॉडर्न स्कूल्स हैं वहाँ हफ्ते में एक दिन इस्लामियत की क्लास होती है, 2 दिन, वो भी इसलिए क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो ज़रूरी है। तो वैसे ही दूर हो रहे हैं। और इन चीज़ों को हम क्यों नहीं ऐसा बना रहे कि ये भी तो आगे बढ़े ना। आज भी हम उनको कहते हैं यार ये 5,000 है, तो प्लीज़ ये ना करें। आपके घर में जो आपने कुत्ता भी रखा है ना, वो भी 10-12 हज़ार रुपये का खाना खा लेता है क्योंकि आप उसको बोलते हैं जी ब्रांडेड खाना खिलाना है, मेरा गली का कुत्ता थोड़ी है कोई। तो वो जो पढ़ाने आ रहे हैं उसको आप सपोर्ट करें, आप वो इसी तालीम की वजह से वैल्यू नहीं है ना, वैल्यू नहीं करते इन सब चीज़ों को। तो फिर इन दी एंड जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर हम जो कह रहे हैं जो हम पे अजाब आए जा रहे हैं क्योंकि हम इन सारी वैल्यू से दूर हो रहे हैं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक जगह कहा कि डरे उस वक्त से कि जब बाप घर में घुसेगा और बच्चा भागता हुआ नहीं आएगा पापा पापा कहता हुआ, क्योंकि उसके पास एक स्क्रीन है जिसमें वो देखने में मसरूफ है। तो हम डरें इस बात से। और हम दिन ब दिन ऐसी हरकतें किए जा रहे हैं कि वैल्यूज खत्म होती जा रही हैं और हम एक दुनिया के नशे में पागल होते जा रहे हैं। तो प्लीज़ ठीक है बहुत मसरूफ़ हैं आप लोग, बहुत हम मॉडर्न हो गए हैं और हमारे यूं यूं हो गए हैं, लेकिन प्लीज़ इन वैल्यूज़ को ना भूलें। ये गायब हो जाएंगी और फिर ढूंढेंगे भी तो नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ इस पे थोड़ा सा, मुझे तो अच्छी तरीके से याद है जब हम लोग रात में सोते थे तो सोने से पहले हमारी अम्मी सारे कलमे हमसे सुनती थी, आयतें सुनती थी, उसके बाद हम सोते थे। बिल्कुल। लेकिन ये सब चीज़ें अब दिन ब दिन खत्म होती जा रही हैं। बिल्कुल। 6 कलमे होते हैं, अब बहुत सारे लोगों को शायद 6 कलमे याद ही ना हो। बिल्कुल सही है। तो मुझे नमाज का तरीका याद ना हो, नियत याद ना हो, नमाज की नियत कैसी चीज होती है। वी ऑल शुड थिंक अबाउट इट, आई थिंक इट इज टाइम वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि हम तो सिर्फ शौहरत के पीछे पागल हुए हम सब लोग ये, और हम भूलते जा रहे हैं और ये बहुत गलत हो जाएगा। और जब ये हमें पता लगेगा ना उसको बहुत देर हो जाएगी। उम्मीद करते जी आपको आदि भाई की बात समझ में आएगी और आपको हमारा शो भी पसंद आया। अगर पसंद आया तो आप अगले वीक भी ट्यून कीजिएगा। जाने से पहले काशिफ भाई आप हमें क्या सुनाएंगे? बहुत ही प्यारा गीत आलमगीर साहब का। आलमगीर साहब का बहुत ही प्यारा गीत। वाह। असद महमूद और मैं आ रहा हूं द मजेदार शो में आदि और फैजान के साथ, तो देखते रहिए टीवी 1। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो।